गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट जीत और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज 24 चैनल। दोस्तों आज सुपर स्मैश लीग का मैच है जो कि थोड़ी ही देर में खेला जाएगा। वो खेला जाएगा नॉर्थर्न ब्रेव्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच। आज नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो हम बात करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर स्पीच की। जी हाँ, स्पीच की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थर्न ब्रेव्स, जी हाँ नॉर्थर्न ब्रेव्स, और यहाँ पर मैच खेला जाएगा वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच। और नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। नॉर्थर्न ब्रेव्स और वेलिंगटन के बीच कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 17 मैच जो है नॉर्थर्न ब्रेव्स ने जीता है, वेलिंगटन ने 14 मैच जीता है। इसी लिहाज से देखा जाए तो हाईएस्ट स्कोर नॉर्थर्न ब्रेव्स का है 215 रन वेलिंगटन के खिलाफ, जहां पर वेलिंगटन का स्कोर हाईएस्ट स्कोर 202 रनों का है नॉर्थर्न ब्रेव्स के खिलाफ। दोस्तों यहां पर हम थोड़ी सी प्लेइंग 11 भी देख लेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे जहां पर इस मैच को खेला जाएगा। ये मैच जो खेला जाएगा वेलिंगटन में खेला जाएगा, ब्रेसन रिजर्व ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड पे अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं डोमेस्टिक T20, मतलब आप सुपर स्मैश लीग कह सकते हैं। और डोमेस्टिक T20 में 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें इस ग्राउंड पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 18 बार जीती है, दूसरे बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है और एक मैच टाई रहा। इस ग्राउंड पे, इस पिच पे फास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर जो है वो 160 का है। वेलिंगटन फायरबर्ड्स ने ही इस पिच पे सबसे अधिक 200 रन बनाए थे। तो उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, जी हाँ दो इससे पहले हम बात करेंगे भाई यहाँ पर पिच, यहाँ पर प्लेयर्स की। तो यहाँ पर वेलिंगटन की तरफ से, जी हाँ वेलिंगटन की तरफ से फिन एलन, ब्रेसवेल और डेवन कन्वे। वेलिंगटन की तरफ से फिन एलन, मिचेल ब्रेसवेल जो कि कप्तान है वेलिंगटन के, डेवन कन्वे जिनका बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिकॉर्ड है, और कन्वे की अगर बात करें तो इनका जो कॉन्वे की जो बात करें अगर तो एवरेज बहुत ही बढ़िया है, 43.42 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 128 का है। यहाँ पर है अगला खिलाड़ी जो है, यहाँ पर आपको बता दे टॉम ब्लेंडल जो कि विकेट कीपर है, फिन एलन भी विकेट कीपर बैट्समैन है, जेमी निसाम एक अच्छे ऑलराउंडर है, रचिन रविंद्र जो कि गेंदबाज है, नाथन स्मिथ, लॉन्ग वेनविक ये भी एक गेंदबाज है, पीटर यंग हस्बैंड जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस सुपर स्मैश लीग में, बिन सेर, आज कुगली जेन को रिप्लेस करके ओली न्यूटन को लाया गया है। वेलिंगटन की तरफ से एक चेंजेस है, वो चेंज आपको बता दूँ, वेलिंगटन की तरफ से एक चेंजेस है, बेनेट को रिप्लेस करके ओली न्यूटन को लाया गया है। जी हाँ भाई, बेनेट को चेंज करके यहाँ पर ओली न्यूटन को लाया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, भाई नॉर्थर्न ब्रेव्स की, जी हाँ नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से जो प्लेइंग 11 है, यहाँ पर केटेनी क्लार्क,
टिम सेफर्ड, जीत रेवल्स जो कि यहाँ पर कप्तान है, मिचेल स्टेनर, कॉलिन ग्रैंडहोम, हेनरी कॉपर, अनुराग वर्मा को कुगली जैन की जगह पे मौका मिला है आज खेलने का। जी हाँ, कुगली जैन की जगह पे अनुराग वर्मा को मौका मिला है। टीम सऊदी, आयस सोदी, जो वलकर एंड ट्रेंट बोल्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है जहाँ पर टीम सऊदी है, आयस सोदी है, ट्रेंट बोल्ट, तीन जो कमाल के गेंदबाज यहाँ पर मौजूद है। अनुराग वर्मा की बात करते हैं तो सुपर स्मैश लीग में अनुराग वर्मा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंदबाज मौजूद है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव के पास। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो आज जो है मैच में बहुत ही फेवरेट टीम है नॉर्थर्न ब्रेव। गेंदबाज पहले टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्लॉट की। जी हाँ, वेलिंगटन पहले बल्लेबाजी करेगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिन एलन ब्रेसवेल, ये दोनों शायद पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर पारी की शुरुआत करने वाले हैं नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से, ये वेलिंगटन की तरफ से फिन एलन एंड ब्रेसवेल। फिन एलन जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और पिछले कुछ मैचेस में, पिछले तीन मैचों में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेला है। तीन उससे पहले इन्होंने ओटागो बोल्ट्स के खिलाफ 32 गेंदों पे 68 रनों का पारी खेला है और ऑकलैंड एक्सिस के खिलाफ 55 रनों का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 55 गेंदों पे 86 रनों का। मगर अगर बात करें यहाँ पर डोमेस्टिक T20 में लगातार तीन पारियों में इन्होंने रन नहीं बनाए फिन एलन ने। ब्रेसवेल की बात करें, कप्तान जिन्होंने ऑकलैंड एक्सिस के खिलाफ पिछली मैच में 54 रनों का पारी खेला था, उससे पहले सेंट्रल स्टैक के खिलाफ 141 रनों का पारी खेला था, मतलब अच्छी फॉर्म में है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और मुझे लगता है कि आज भी ये अच्छे खेलने वाले हैं। आज मुझे लगता है डेवोन कॉनवे आ सकते हैं पारी की शुरुआत करने फिन एलन के साथ। बांग्लादेश टेस्ट में इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से ज़बरदस्त पारी खेल के 109 रन बनाए थे और देखना होगा कि आज क्या करते हैं पारी की शुरुआत करते हैं फिन एलन, यहाँ पर डेवोन कॉनवे और ब्रेसवेल किसके साथ पारी की शुरुआत करते हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैच स्टार्ट होने वाला है, जी हाँ मैच स्टार्ट होने वाला है और भाई तो भाई बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आज नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, बने रहिएगा यहाँ पर। जी हाँ, नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला किया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि विलिंगटन फायरवर्ड्स की तरफ से फिन एलन और डेविड कॉनवे शायद पारी की शुरुआत करेंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे मिचेल ब्रेसवेल जो कि कप्तान है इस टीम में, टीम का, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। टॉम ब्लैंडल की बात करते हैं, टॉम ब्लैंडल की बात करते हैं तो ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और
पिछली बार इन्होंने ओटागो वोल्ट्स के खिलाफ या पर ऑकलैंड एक्सिस के खिलाफ 41 रनों का पारी खेला था, मतलब पिछली दो मैचों में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉम ब्लैंडल बांग्लादेश टेस्ट में भी 60 गेंदों पे 57 रन बनाए थे, तो कैरियर बहुत ही बढ़िया है इनका। और T20 यहाँ पर T20 में इनका जो एवरेज है उतने अच्छे नहीं है, हाईएस्ट स्कोर T20 इंटरनेशनल में 30 का है। तो फिलहाल यहाँ पर देखना होगा टॉम ब्लैंडल क्या करते हैं, 31 साल उम्र है और मुझे लगता है कि आज यहाँ पर जो मौका मिले हैं टॉम ब्लैंडल को, विकेट कीपर है टॉम ब्लैंडल और आज जबरदस्त पारी खेलने वाले हैं। यहाँ पर जेमी निसाम जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है और यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं बॉलिंग में। इन जिमी निसाम ने पिछले 5 मैचों में 4 विकेट इनके नाम है। इन्होंने यहाँ पर ओटागो बोल्स के खिलाफ 2 विकेट निकाले थे, सेंट्रल स्टैग के खिलाफ 1 विकेट और पिछली मैच में ऑकलैंड एक्सिस के खिलाफ। फिन एलन, जी हाँ, मैदान पे खिलाड़ी आ चुके हैं फिन एलन। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। फिन एलन एंड डेवन कॉनवे, जी हाँ डेवन कॉनवे आए हैं, फिन एलन एंड डेवन कॉनवे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। फिन एलन एंड डेविन कॉनवे आ चुके हैं भाई मैदान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। जी हाँ भाई यहाँ पर जरूर हमें सपोर्ट करें। क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर विन होने वाला है, कमेंट जरूर करें भाई। और पहली गेंद चौका, जी हाँ यहाँ पर फिन एलन ने चौके से शुरुआत किया है, जी हाँ चौके से शुरुआत कर दी है। लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी जिसको फ्लिक कर दिया था और मिड ऑन के ऊपर से बॉल चला गया है मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, 4 रनों से यहाँ पर वेलिंगटन ने अपना खाता भी खोल लिया है। जी भाई वेलिंगटन ने अपना खाता खोल लिया है 4 रनों से। फिन एलन ने जबरदस्त चौका लगाया है, बैक टू बैक चौका, फिन एलन का बैक टू बैक चौका है भाई। मेरे हिसाब से सुमित गुप्ता जी, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नॉर्थर्न ब्रेव्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है क्योंकि इनके पास गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं और बैटिंग में नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास अगर बात करें, नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास बैटिंग में भी काफ़ी अच्छी विकल्प मौजूद है। ग्रैंड होम हेनरी कॉपर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, 6 नंबर तक यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई देते हैं। पूरे बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ है, मिचेल स्टेनर है, ग्रैंड होम है जो कि अच्छी फॉर्म में लय में है और बहुत ही बढ़िया टीम है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव। इस बार अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल हुआ है। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत किए हैं, जी हाँ ट्रेंट बोल्ट ने यहाँ पर पारी की शुरुआत किया है भाई। तो भाई आपको क्या लगता है, 4 गेंद और यहाँ पर फिर से एक चौका, फिर से एक चौका लगाया है, 4 गेंदों पे स्कोर हो चुका है भाई 12 रन। आज थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट गुस्सा दिखाते हुए, जी हाँ थोड़ा सा ट्रेंट बोल्ट जो है यहाँ पर गुस्से में आते हुए क्योंकि जानते हैं लगातार चौके खा चुके हैं, इस ओवर में 3-3 चौके खा चुके हैं। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। और चैनल पर सुमित गुप्ता जी, भाई वेलिंगटन भी अच्छी बैटर है, जी हाँ बैट्समैन तो बहुत ही बढ़िया है,
मगर गेंदबाज भी अच्छी है और चलिए देखना होगा कि इस ओवर की आखिरी गेंद है। जी हाँ, इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे फिन एलन। यहाँ पर लेफ्ट आर्म राउंड, यहाँ पर राउंड विकेट बॉल किया था, कट कर दिया है बॉल को चार रनों के लिए, पॉइंट और कवर के बीच में से बहुत ही उमदा शॉट यहाँ पर फिन एलन का। इस ओवर में चार चौके लगा चुके हैं, काफी महंगा ओवर गया है। पहली ओवर से ही यहाँ पर फिन एलन अटैक चालू कर दिया है और ट्रेंट बोल्ट जैसी गेंदबाज को लगातार चार चौके लगाए हैं इस ओवर में, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 16 रन बन चुके भाई। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं आज हमारे साथ अनंत चौहान जी जुड़ चुके हैं। सुमित भाई देखना कितना जल्दी बैटिंग कलैप्स होगी भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ब्रेसवेल भी यहाँ पर आने वाले हैं, अगला बैट्समैन। जी हाँ, यहाँ पर ब्रेसवेल भी आने वाले हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, वेलिंगटन की यहाँ पर शुरुआत हुआ है, एलन कॉर्न, यहाँ पर एलन फिन और डेवन कॉनवे, फिलहाल डेवन कॉनवे यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे। जी हाँ, डेवन कॉनवे जो है यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे टीम सऊदी भाई। टीम सऊदी का 45 सुपर स्मैश मैच में 52 विकेट इनके नाम है और 15 रन देके 3 विकेट निकालना इनका खासियत है। डिवॉन कॉनवे, जी हाँ डिवॉन कॉनवे, और यहाँ पर कोई रन ही डॉट बॉल होता हुआ। टीम सऊदी अलग किस्म के गेंदबाज है और देखना होगा यहाँ पर फिर से एक बार टीम सऊदी बॉलिंग करने के लिए तैयार। कप्तान से बातचीत करते हुए फील्डिंग में तब्दीली, बाएं हाथ के खिलाड़ी है यहाँ पर डेवॉन कॉनवे, इनका औसत काफ़ी अच्छा है, डेवॉन कॉनवे का 43 का औसत है। और विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, थैंक यू सो मच भाई विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भाई। चलिए देखते हैं ब्रेसन रिजर्व इस ओवर मैच राउंड विकेट बॉल करता हुआ टीम सऊदी। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पे रूम मिला था, कट किया मगर पॉइंट में जबरदस्त फील्डिंग, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हम आपको बात करें कि यहाँ पर डेवॉन कॉनवे की अगर एवरेज की बात करें तो 43 की एवरेज है। नवी मल्लिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिन एलन हाउंड होने वाला है। चलिए देखते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई जी, भाई बहुत ही बढ़िया गुड मॉर्निंग। तो भाई यहाँ पर हमें लाइक जरूर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। विकास कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। टीम सऊदी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार थोड़ा से स्टेप आउट करके बॉल लगाने की कोशिश, बैट का एज लिया और यहाँ पर विकेट कीपर टीम सेफर्ड ने बेहतरीन कैच लिया है। जी हाँ, यहाँ पर टीम सेफर्ड ने बेहतरीन कैच लिया है और इसी के साथ भाई पहला विकेट गिर चुका है वेलिंगटन का। जी हाँ, पहला विकेट गिर चुका है वेलिंगटन का, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर टीम सऊदी का। बॉल थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ कट हुई थी और बैट का एज लिया और सीधा टीम सेफर्ड की दस्ताने में गई, तो बिना खाता खोले यहाँ पर आउट होता हुआ। जी हाँ, बिना खाता खोले यहाँ पर डेविड कॉनवे यहाँ पर वेलिंगटन का पहला विकेट गिर चुका है। टीम सऊदी ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम नॉर्थर्न ब्रेव्स को, तो नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए एक बहुत ही अंधा शुरुआत हो चुका है। माइकल ब्रेसवेल, जी हाँ माइकल ब्रेसवेल आए हैं यहाँ पर, जी हाँ माइकल ब्रेसवेल आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर फिन एलन और डेविन कॉनवे ने पारी की शुरुआत किया है। अब फिलहाल कॉनवे ओए आउट हो चुके हैं और आगे आने वाले खिलाड़ी है ब्रेसवेल। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई, सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। सुपर स्मैश लीग में 99वां मैच है और 2027 इनके रन हैं, काफ़ी अच्छा एवरेज है, 30 का एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं, एक शतक भी है इनका। और ये शतक जो है आपको बता दें कि ब्रेसवेल का जो ये शतक है, एकमात्र शतक जो सुपर स्मैश लीग में ब्रेसवेल ने बनाए हैं वो सेंट्रल स्टैग के खिलाफ बनाए हैं।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई और एक विकेट चाहिए। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर रिक्सी कैप्टन माई जी भाई सऊदी ने विकेट निकाल लिया है भाई। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार डेविड यहाँ पर ब्रेसवेल जो कि स्ट्राइक लेंगे और सामना करेंगे टीम सऊदी की गेंदबाजी का। और यहाँ पर अब तक तो सऊदी की इस ओवर की पांचवी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ ब्रेसवेल को, ब्रेसवेल भी बाएं हाथ के खिलाड़ी और इस बार खेल दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की दिशा में वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। थोड़ा सा स्टेप आउट किया था इस गेंद पे ब्रेसवेल ने और पहला चौका ब्रेसवेल का, इसी चौके के साथ अपना खाता भी खोला है और स्कोर हो चुका है वेलिंगटन फायरबर्ड्स का 20 रन एक विकेट के नुकसान पे, 20 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। कुलदीप माथुर जी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीम सऊदी फिर से एक बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ यहाँ पर ब्रेसवेल को, इस बार अच्छी उछाल के साथ गेंदबाजी, बैक ऑफ लेंथ बॉल था जिसको डिफेंड कर दिया है ब्रेसवेल ने। कोई रन नहीं, दो ओवर में 20 रन एक विकेट के नुकसान पे, एकमात्र इस ओवर में टीम सऊदी ने एक झटका जरूर दिया है वेलिंगटन फायरबर्ड्स को, वो डेवन कॉन्वे को आउट करके। तो भाई देखना होगा कि आज इस मैच में कौन जीतता है। दूसरा विकेट पावर प्ले में, चलिए देखते हैं अभी पावर प्ले खत्म होने में चार ओवर बाकी है। जी हाँ, वेलिंगटन के पास चार ओवर अभी भी है पावर प्ले के और इन पावर प्ले में वेलिंगटन पारी को संभाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि फिन एलन काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, छः गेंद खेल के 16 रनों के स्कोर पर बैटिंग करते हुए। दूसरी तरफ ब्रेसवेल की बात करें तो इन्होंने तीन गेंद खेल के 4 रनों से अपना पारी की शुरुआत किया है। तो भाई कौन जीतबे भाई यहाँ पर कंसॉन खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्थर्न ब्रेव जो है इस मैच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पावर प्ले में रन 60 होए जाबे, 60 होना नहीं होगा भाई मुझे लगता है, क्योंकि ब्रेसवेल को आउट करवाओ। चलिए देखते हैं मोहम्मद आरिफ जी फिर से एक बार, अनुराग वर्मा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेंट बोल्ट को स्टॉप कर दिया गया है, ट्रेंट बोल्ट को सिर्फ एक ओवर करवाया गया और उस एक ओवर में काफ़ी महंगे रहे ट्रेंट बोल्ट और इसके लिए यहाँ पर अनुराग वर्मा को लाए हैं। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया किया था और फिर से एक बार दूसरी गेंद के लिए, जी हाँ अनुराग वर्मा फिन एलन को, दाहिने हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद और इस बार स्लोअर बॉल था, हल्के बैटों से खेला बॉल को सीधा बॉलर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को भाई बोलेंगे और अनुराग वर्मा को बारे में अगर बोले तो सुपर स्मैश लीग में ये इनका 51वां मैच है और अब तक इन्होंने 62 विकेट निकाल लिया है, 27 रन देके 4 विकेट इनका सबसे कैरियर बेस्ट सुपर स्मैश लीग में है। तो यहाँ पर हमारे साथ धर्मेंद्र पटेल जी जुड़ चुका है और यहाँ पर खेल भी दिया है फिन एलन, काफी खतरनाक शॉट मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिन एलन का यह 5वां चौका था और स्कोर वेलिंगटन फायरबर्ड्स का 24 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो भाई यहाँ पर जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए और इसी तरह भाई हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए आउट प्लीज। चलिए एफएफ गेमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मांग पाटिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब ऑल आउट होगा भाई, बने रहिएगा लाइक जरूर कीजिएगा। अनुराग वर्मा की गेंदबाजी और फिर से एक बार बॉडी शॉट, इस बार तो हवाई शॉट हवाई फायर किया है यहाँ पर फिन एलन ने छक्के के साथ, बहुत ही उमदा पारी खेलता हुआ 10 गेंदों में 26 रन फिन एलन, क्या कमाल की पारी। और वेलिंगटन का स्कोर 30 रनों तक पहुंचा दिया है 2 ओवर 4 गेंदों में ही भाई, बहुत ही बढ़िया वेलिंगटन का खेल चलता हुआ। फिन एलन यह पर आते ही धमाकेदार शुरुआत किया है, फिन एलन किसी को बक्स नहीं रहे, पिछली ओवर में हम लोगों ने ट्रेंट बोल्ट को देखा था, ट्रेंट बोल्ट की उस ओवर में फिन एलन ने 4 चौके लगाए थे और अब फिलहाल अनुराग वर्मा की इस ओवर में 10 रन ले चुके हैं, एक चौका और एक छक्का भी लगा चुके हैं।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, 23 भाइयों ने लाइक किया है, तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार बैक ऑफ बैलेंस बॉल, फ्रंट फुट में आगे बॉल को ड्राइव कर दिया, एमबी यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ एक स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 31 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान पे। भुवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। धर्मेंद्र निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। वैभव पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। टेक्निकल राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इस ओवर की आखिरी गेंद अनुराग वर्मा, और यहाँ पर जीत रिविल काफी नाखुश है अपने गेंदबाजों से, क्योंकि जो दबाव यहाँ पर पहला विकेट जाने के बाद बनना चाहिए था, वो दबाव यहाँ पर फिन एलन जो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो महसूस नहीं होने दे रहे हैं। और यहाँ पर आखिरी गेंद हो चुके हैं और 3 ओवर के बाद वेलिंगटन का स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पे। केपी पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देवेन मिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वाई वाह वाह पटेल जी, गुड मॉर्निंग भाई। सुमन कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई। अरशद अली जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू भाई। इसी तरीके से भाई लाइक करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर से एक बार ब्रेसवेल आखिरी गेंद पे सिंगल लिया था, तो ब्रेसवेल के पास स्ट्राइक रहेगी, जी हाँ ब्रेसवेल के पास स्ट्राइक रहेगी, और देखना होगा कि अगला गेंदबाज मुझे लगता है टीम सऊदी ही आएंगे गेंदबाजी खेलने के लिए। जी हाँ टीम सऊदी आए गेंदबाजी के लिए। और यहाँ पर म्यूजिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ब्रेसवेल थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया, क्रॉस द लाइन बॉल को खेला है यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ पहली गेंद शुरुआती सिंगल रन। यहाँ पर कुलदीप माथुर जी कह रहे हैं प्लीज आउट दो विकेट। चलिए देखते हैं, इंडियन म्यूजिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अनिश पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। म्यूजिक बाईवाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गौरव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच भाई गौरव शर्मा जी जुड़ने के लिए। और देखते हैं, गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक आउट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और यहाँ पर 29 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। FF गेम ऑन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेहान अख्तार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई रेहान अख्तार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। फिर से एक बार इस ओवर की दूसरी गेंद, टीम सऊदी बॉलिंग करता हुआ फिन एलन को इस बार ऑफ स्टैंप पे बॉल थी, बॉल को खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है अनुराग वर्मा, यहाँ पर ओवर थ्रो से एक रन मिलता हुआ। काफ़ी खराब फील्डिंग, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी इस ओवर थ्रो की, जिसे एक रन मिल चुके हैं, और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है वेलिंगटन का 34 रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुका है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह भाई लाइक करो, सपोर्ट करो भाई को। टीम सऊदी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी फिलहाल करते हुए अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, और इस बार सामना करेंगे ब्रेसवेल। टीम सऊदी जब गेंदबाजी करते हैं तो इनको शॉट खेलने के लिए, बड़ा शॉट खेलने के लिए बैट्समैन को थोड़ी सी आगे निकलना पड़ रहा है, ये एक खास बात है। और यहाँ पर तीन फील्डर जो है ऑन साइड में लगाए गए हैं, और ग्रैंड होप देखना होगा कि यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ फील्डिंग करते हुए राउंड द विकेट ब्रेसवेल का गेंदबाजी, और यहाँ पर अच्छी गेंद बैक ऑफ ऑल बॉल था, बॉल को डिफेंड कर दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। दीपक गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। राज चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, यहाँ चलिए देखते हैं। और सौरभ गौतम जी स्टेनर को बॉलिंग दिलाओ, फैंटेसी खेल रहा है भाई। स्टेनर गेंदबाजी तो जरूर करेंगे, मगर देखते हैं कब आते हैं। और हमारे साथ अरशद अली भी जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। गौरव शर्मा जी मिलने का इस ओवर में, चलिए देखते हैं। टीम सऊदी का ये दूसरा ओवर है, और फिलहाल फिन एलन 12 गेंदों पे 28 रनों के स्कोर पे बैटिंग करने कर रहे हैं, सामना करेंगे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करते जाइए। टीम सऊदी का इस ओवर की अगली गेंद, और सामना करेंगे यहां पर फिन एलन।
तो जितने भी भाई हमारे साथ है थैंक यू सो मच भाई, 40 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है। निखिल ग्रिमित जी हमारे साथ, और इस बार पटकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, कंधे की ऊंचाई में बॉल को यहाँ पर हुक कर दिया है और चला गया है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर फिन एलन की, बल्लेबाजी रुकी नहीं रहा, बॉलर शॉट लगातार बड़ी शॉट खेल रही है यहाँ पर फिन एलन। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, कंधे की ऊंचाई पे बॉल और इसको घुमा दिया था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है 3 ओवर 5 गेंदों के बाद 41 रन। फिन एलन 13 गेंदों पे 34 रनों की स्कोर पे पहुंच चुके हैं। फिन एलन फिलहाल अब तक तो यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, फिन एलन 242 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, वेलिंगटन का स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। दोनों के बीच साझेदारी की अगर बात करें तो दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया साझेदारी बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, और इसी तरीके से भाई जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पावर प्ले का और 2 ओवर बाकी है, जी हाँ पावर प्ले का और 2 ओवर बाकी है भाई, और ग्रैंड होम को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। जी हाँ ग्रैंड होम ने ट्रेंट बोल्ट को लाया गया, ट्रेंट बोल्ट को फिर से एक बार गेंदबाजी दिया गया है, अपना दूसरा ओवर डालेंगे ट्रेंट बोल्ट। अब देखना होगा सामना करेंगे ब्रेसवेल बाएं हाथ के खिलाड़ी है और अच्छे फॉर्म में है, और ट्रेंट बोल्ट फिर से एक बार इस ओवर की शुरुआती गेंद लेफ्ट आर्म इस बार थोड़ी सी आगे निकल गया है, हवा में खेल दिया है बॉल को इस बार मिड ऑन के ऊपर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए। कोई फील्डर मौजूद नहीं है, पावर प्ले चल रहा है और जस्ट बॉल जो है 30 गज के दायरे के ऊपर से बॉल को निकाल दिया है ब्रेसवेल ने इस बार। ब्रेसवेल का ये दूसरा चौका, और इसी के साथ स्कोर जो है यहां पर 45 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। ब्रेसवेल काफी अच्छी वेल बैटिंग करते हुए भाई, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट थोड़ा सा जो है परेशान नजर आ रहे हैं और काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अभी तक ये इनका दूसरा ओवर चल रहा है और अभी तक इन्होंने 1 ओवर 2 गेंद किए हैं और 21 रन बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट जो है बहुत ही महंगे साबित हुए हैं भाई। फिलहाल ब्रेसवेल इस ओवर की तीसरी गेंद का फिन एलन जो है स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी का। तो भाई 42 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिन एलन अच्छे बैट्समैन है, फिलहाल पिछले तीन मैचों में इनका फॉर्म अच्छा नहीं था और आज इस मैच में अच्छा पारी खेलते हुए 14 गेंदों पे 34 रन बना चुके हैं। फिलहाल सामना करेंगे, इस बार राउंड द विकेट बॉल करता हुआ हार्ड हिट किया है बॉल को, बॉलर के बगल से बॉल को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। आज यहाँ पर फिन एलन पूरी तरीके से सेट होके आए हैं अपने यहाँ पर ड्रेसिंग रूम से, 15 गेंदों पे 38 रन बना लिया है, और यहाँ पर वेलिंगटन फायरबर्ड्स का स्कोर 50 रन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ वेलिंगटन फायरबर्ड्स का स्कोर जो है यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत जल्द पावर प्ले के अंदर यहाँ पर 50 रन पूरे कर लिए वेलिंगटन ने। तो भाई यहाँ पर 46 रन बन चुके हैं, 46 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिन एलन और कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी चलता हुआ, निखिल गिमित जी बोल रहे हैं यहाँ पर छक्का, चलिए भाई यहाँ पर तो अच्छी खासी रन हो रही, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, पुल कर दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर भाग रहे हैं और यहाँ पर 2 रन तो आराम से ले लेंगे। जी हाँ बेहतरीन 2 रन लेता हुआ वेलिंगटन का स्कोर 52 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आज फिन एलन 16 गेंदों पे 40 रन पूरे किए हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर फिन एलन। अब तक फिन एलन ने 250 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है। फिर से एक बार चलिए देखते हैं, यहाँ पर धीरज योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन जीतेगा सर आपका ये मैच भाई, देखते हैं कौन जीतता है। इस बार फ्रंट फुट में आगे गैप में खेल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए, बहुत ही बुंदा शॉट यहाँ पर, ऑफ स्टैम्प पे रूम बनाया और इसको खेल दिया 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ वेलिंगटन का इसको 56 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुका है सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब है सपोर्ट, सपोर्ट अभी जरूर करें। आज यहाँ पर फिन एलन जो है जबरदस्त पारी खेलता हुआ, और यहाँ पर 50 भाइयों ने लाइक कर दिया है, 17 गेंदों पे 44 रनों के स्कोर पे है फिन एलन। और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के खिलाड़ी डाइने बाएं हाथ से और यहाँ पर फ्लिक कर दिया है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कैच, यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग पे टीम सऊदी फील्डिंग कर रहे थे, और यहाँ पर अंपायर जो है चेक कर रहे हैं कि ये आउट है कि नहीं आउट। जी नहीं, ये आउट दिखाई दे रहा है कि अंपायर जो है यहाँ पर बातचीत करते हुए, फिलहाल जो है आउट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गया है। जी हाँ, थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गया है। देखना होगा कि फिन एलन फ्लिक किया था बॉल, बैट का किनारा लेके था, यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गया, जो कि यहाँ पर आयस सोदी ने कैच लिया। फिलहाल देखना होगा कि ये आउट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है और इसके लिए थर्ड अंपायर को कॉल किया गया है। ये देखा जाएगा कि बैट पे लगा है या पैर पे लगा है। पैर पे लगा है या बैट पे लगा है ये चेक किया जा रहा है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब विकेट है। चलिए देखते हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो अंपायर का डिसीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे लगता है विकेट है। जी मुझे भी लगता है कि यह पर विकेट है गौरव शर्मा जी। चलिए देखते हैं अंपायर का डिसीजन देता है। नॉट आउट दिया है, नॉट आउट दिया है भाई अंपायर जो है यहाँ पर फिन एलन को नॉट आउट दिया है, और इसी के साथ स्कोर जो है 5 ओवर के बाद 56 रन 1 विकेट के नुकसान पे। धीरज जोगी जी भाई नॉट आउट है भाई। अरशद अली जी 5 ओवर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ भाई, यहाँ पर गौरव शर्मा जी परेशान हो चुके हैं। जयंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू। ब्रेसवेल इस बार सामना करेंगे, देखना होगा अनुराग वर्मा की गेंद का, अनुराग वर्मा, और ये भी अच्छी गेंदबाज है। 12 रनों के स्कोर पे है ब्रेसवेल, बाएं हाथ के खिलाड़ी है। तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, और इस आखिरी ओवर में देखना होगा कि कितने रन बनता है भाई। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनुराग वर्मा ओवर की शुरुआती गेंद, पावर प्ले के ये आखिरी ओवर है, सामना करेंगे ब्रेसवेल। बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाएं हाथ से ओवर राउंड देकर बॉल करता हुआ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। सिद्धार्थ कुमार जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। आपको बता दें कि 59 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल यहाँ पर वेलिंगटन का स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ बन चुका है, 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए फ्लिक कर दिया है बॉल को, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ सिंगल मिलता हुआ। अनुराग वर्मा अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं फिलहाल। तो भाई जी थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 65 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है। जी हाँ, 65 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिन एलन 44 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किए हुए, और फैंटेसी किंग जी चाहते हैं कि यहाँ पर फिन एलन को आउट किया जाए। चलिए देखते हैं, अनुराग वर्मा के हाथ में गेंदबाजी थमाया है कप्तान ने, और अनुराग वर्मा अपना एक ओवर 2 गेंदे कर चुके हैं, ये इनका तीसरा है इस ओवर का। संदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई संदीप सिंह जी, बने रहिएगा। और इस बार हाओ बैट का निचला हिस्सा लिया, और विकेट कीपर के पीछे से बॉल चला गया है 4 रनों के लिए। फिन एलन की बल्ले से यह चौका आया है, बॉल में खराबी नहीं थी, अंदर की तरफ आई थी बॉल, बॉल बैट का एज लिया और विकेट के पीछे से बॉल चला गया है सीधा 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर भी हो चुका है वेलिंगटन का 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, गुड मॉर्निंग भाई संजय कुमार जी। चलिए देखते हैं यहां पर, गुड मॉर्निंग भाई हमारे साथ बने रहने के लिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है भाई संदीप सिंह जी, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग लोग होते हैं वैसे नेगेटिव थिंकिंग भी लोग होते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार फिर से एक बार बॉल को ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में, मगर इस बार कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 200 यहाँ पर हमारे साथ 232 भाई जुड़ चुके हैं और यहाँ पर 72 भाइयों ने लाइक जरूर किया है, थैंक यू सो मच भाई, बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर, तो भाई बने रहिएगा भाई। सौदा नहीं करते हैं भाई संदीप सिंह जी, सौदा मत कीजिए, सौदा मत कीजिए। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, डीप यहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट, और इसी छक्के के साथ अपना 50 रन भी पूरे कर लिया है फिन एलन ने। फिन एलन ने 21 गेंदों पर 54 रन बना लिया है, 8 चौके और 3 छक्के की मदद से स्कोर वेलिंगटन का हो चुका है भाई यहां पर 67 रन, 5 ओवर 5 गेंदों पे 1 विकेट के नुकसान पे। चलिए देखते हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 74 भाइयों ने यहां पर लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। ये आखिरी गेंद है पावर प्ले का, जी हाँ आखिरी गेंद है ये पावर प्ले का, दोनों के बीच ब्रिसवेल और फिन एलन, इन दोनों के बीच साझेदारी जो है 26 गेंदों पे 51 रनों का बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई, सुशील सिंघानिया जी थैंक यू सो मच भाई, आशीष कर महातो जी थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहां पर मयूर जी जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई, संदीप सिंह जी भाई, संदीप सिंह जी थैंक यू, संदीप सिंह जी और निवेदिता निवेदित निभाता निभाता भाई, संदीप सिंह जी थैंक यू सो मच, मिस्टर मयूर ए वाले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, इस बार फिन एलन बहुत ही बढ़िया शॉट लगा के अपना 50 रन पूरे कर लिए हैं। 6 ओवर पावर प्ले खत्म हो चुके हैं, वेलिंगटन का स्कोर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए, लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली ताकि आगे आने वाले मैचेस की लाइव कमेंट्री भी आपको इसी चैनल के जरिए देखने के लिए मिल जाए। यहां पर मुकुल सहानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई, गुड मॉर्निंग भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और मयूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। स्पिन गेंदबाज आईएस सोदी को लाए हैं, जी हाँ स्पिन गेंदबाज आईएस सोदी आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे ब्रिसवेल जो कि 11 गेंदों पे 13 रन बना के खेल रहे हैं। फिलहाल वेलिंगटन का रन रेट जो है 11.17 का है। फिर से एक बार आईएस सोदी, इस ओवर की पहली गेंद चौके से स्वागत किया है आईएस सोदी का, फिर से एक बार स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए, और आईएस सोदी का स्वागत चौके से किया है ब्रिसवेल ने। वेलिंगटन का स्कोर जो है यहां पर 71 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। आईएस सोदी यहां पर गेंदबाजी आए और ब्रिसवेल ने चौके से स्वागत किया है। फिलहाल यहां पर वेलिंगटन की इनिंग्स में 11 चौके लग चुके हैं और 3 छक्के भी लग चुके हैं। आईएस सोदी इस ओवर की अगली गेंद, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए, बैक टू बैक चौका लगाता हुआ ब्रिसवेल, जी हाँ ब्रिसवेल जो है बैक टू बैक चौका लगाता हुआ पहुंच चुका है 21 रनों के स्कोर पे। और यहां पर वेलिंगटन का स्कोर धीरे धीरे नहीं बहुत ही जल्द जल्द बढ़ता हुआ 75 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। मैं कलकत्ता से हूँ भाई, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। आईएस सोदी फिर से एक बार ब्रिसवेल को गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ से राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार बॉल ऑफ स्टंप की तरफ था, कट किया कर दिया, रूम मिला था, हाथ खोलने का मौका मिला था, मगर बॉल चला गया है इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहां पर 1 रन मिलेगा। तो चलिए अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई, मूड तनवीर शेख जी गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग, उदित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर 79 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। फिन एलन इस बार बैकफुट में गए, रूम बनाया, कट कर दिया है बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहां पर सिंगल मिलेगा फिन एलन को। वेलिंगटन का इसको 77 रन एक विकेट का नुकसान पे बन चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई सर मैं बिहार से हूँ भाई, बिहार से हैं भाई हमारे संदीप सिंह जी बिहार से जुड़े हुए हैं भाई, बिहार में कहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इस बार राउंड द विकेट ब्रेसवेल को, इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल बैकफुट में गए, कट कर दिया है बॉल को, फिर से एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल मिलेगा। लगातार दोनों ही बल्लेबाज अब फिलहाल पावर प्ले खत्म होने के बाद सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करते हुए छला साहिब, ये निशाम की बैटिंग आएगी जी भाई, जरूर आएगी। जेमी निशाम से पहले मुझे लगता है ग्रैंड होम आने वाले हैं। ऋतिक चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, विकेट तो एक ही गिरा है। इस बार लेग स्टंप के खराब गेंद, भरपूर फायदा उठाया फिन एलन ने, खेल दिया फाइन लेग की तरफ चार रनों के लिए। बहुत ही खराब गेंद था ये आयुष सोदी का और इसी के साथ स्कोर जो है वेलिंगटन का 82 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान पे 7 ओवर के बाद। जी हाँ दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर पावर हिटिंग कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर मौके नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कि नॉर्थर्न ब्रेव जो है स्ट्रॉन्ग टीम है, बल्लेबाजी क्रम बहुत ही मजबूत है और इसीलिए एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उतरे हैं दोनों ही बल्लेबाज कि बैट्स यहाँ पर बॉलर्स को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आयुष सोदी भी इंटरनेशनली खेलते हैं और टीम सऊदी, तीनों गेंदबाज जो है इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के रखा है और उस तीन इंटरनेशनल गेम बॉलर जो है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास मौजूद है और इसीलिए नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया है। और यहाँ पर वेलिंगटन फायरबर्ड्स की खिलाड़ियों का कहना है कि भाई आज तो बॉलर्स को हावी नहीं होने देंगे, जो भी गेंदबाज आएगा उसको भाई ताबड़तोड़ पावर हिटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए, आठवें ओवर की शुरुआत हो रहा है और मिचेल स्टेनर, जी हाँ अगला गेंदबाज मिचेल स्टेनर आए हैं गेंदबाजी के लिए। ब्रेसवेल बाएं हाथ के खिलाड़ी, बाएं हाथ के खिलाड़ी को स्टेनर बाएं हाथ से ओवर दो विकेट गेंदबाजी करते हुए और इस बार थोड़ी सी स्टेप आउट किया, बैल बैट का एज लिया, चला गया है यहाँ पर डीप मिड विकेट की दिशा में, सिंगल मिल जाएगा। यहाँ पर दीपक सिंह जी भी बिहार से हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर चलिए देखते हैं स्टेनर विकेट निकाल पाते हैं कि नहीं। मिचेल स्टेनर 27 मैच खेल चुका है सुपर स्मैश लीग में और 23 विकेट इनके नाम है, फिलहाल 15 रन देके 2 विकेट इन सुपर स्मैश लीग में इनका सबसे अधिक सबसे बेस्ट है। सिवान से जुड़े हुए हैं भाई, सिवान से संदीप सिंह जी सिवान से जुड़े हुए हैं। सिवान भाई, सिवान जो है ये शायद यूपी का बॉर्डर है, सिवान जो है बिहार और बिहार का बॉर्डर है, यूपी स्टार्ट होगा उसके बाद से। विकास कुमार जी भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया भाई विकास कुमार जी। ऋतिक चौहान, चलिए देखते हैं स्टेनर गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पर ऋतिक चौहान का कहना है कि यहाँ पर विकेट जा सकता है। तो भाई 83 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है तो जल्द से जल्द भाई हमारा 100 लाइक पूरा कर दीजिए। छपरा से हैं भाई और इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए और खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए। फिन एलन का ये स्ट्रेट ड्राइव चौका बहुत ही बढ़िया, आज फिन एलन कमाल की गेंदबाजी किया है, 26 गेंदों पे 63 रन बना लिया है। वेलिंगटन का इसको 87 रन एक विकेट के नुकसान पे, फिलहाल इस ग्राउंड पे सबसे अधिक रन, इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा रन वेलिंगटन ने ही बनाए हैं, वेलिंगटन का होम ग्राउंड है और वेलिंगटन ने इस ग्राउंड पे सबसे अधिक रन बनाए हैं। इस ग्राउंड में वेलिंगटन ने 200 रन बनाए हैं, सबसे अधिक हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड का डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें। सौरभ यादव जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं भाई, सौरभ यादव जी भी, निर्भया कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो भाई बने रही है ब्रेसवेल जो कि यहाँ पर 24 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं, सामना करेंगे स्टेनर की इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार ब्रेसवेल भी आगे निकल के आए और बॉलर के बगल से निकाल दिया है स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए, स्ट्रेट चौका ब्रेसवेल का।
दोनों ही बल्लेबाज आज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आज मैच को वेलिंगटन किसी भी हालत में जीतना चाहती है। अपना बैटिंग काफी सुधारते हुए वेलिंगटन, तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए। 8 ओवर खत्म हो चुके हैं, 8 ओवर के बाद स्कोर जो है 93 रन बना है 1 विकेट के नुकसान पे। और इन दोनों के बीच साझेदारी की अगर बात करें वेलिंगटन और यहाँ पर साझेदारी की अगर बात करें तो 77 रनों की बन चुकी है फिन एलन और मिचेल ब्रेसवेल का। इन दोनों के बीच 39 गेंद, सिर्फ 39 गेंदों पे 77 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। फिन एलन की बात करें तो अब तक इन्होंने 237 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है, 64 रन बनाए हैं 10 चौके और 3 छक्के की मदद से। मिचेल स्टेनर भी पहली ओवर काफ़ी महंगे रहे और इस ओवर में मिचेल स्टेनर की इस ओवर से 11 रन आए हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। निर्भय कुमार जी कहाँ क्या कर का कहाँ कर बैटिंग दे सर, फिन एलन 100 पक्का मारेगा। चलिए दीपक सिंह जी, फिन एलन 64 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और 87 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। 9वें ओवर की शुरुआत है और जो वल्कर, जी हाँ ये पार्ट टाइम गेंदबाज है जो कि यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। इस बार ऑफ स्टैम्प पे बॉल दिया और इस बार जोरदार पैपील पैड पे लगा था, बॉल थोड़ी सी टर्न लिया और लेग स्टैम्प की तरफ, कोई विकेट तो कोई खतरा नहीं। ब्रेसवेल थे बैट्समैन, बाएं हाथ के खिलाड़ी है बैट्समैन ब्रेसवेल, और इस बार काफ़ी अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिलता हुआ जो वॉल्कर को, और मुझे लगता है कि जो वॉल्कर विकेट लेने वाले हैं क्योंकि पहली गेंद काफ़ी अच्छी गेंद था, थोड़ा सा टर्न भी लिया था इस गेंद पे, और देखना होगा कि इस ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जो वॉल्कर का, ब्रेसवेल को थोड़ा सा परेशान जरूर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो वॉल्कर ही है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी रन पर रोक लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर इस पिच पे जो वॉल्कर को मदद मिलता हुआ फिर से एक बार, और बॉल हवा में है, बॉल को खेल दिया है, थोड़ी सी स्टेप आउट किया, बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, और यहाँ पर ब्रेसवेल भी छक्का लगाता हुआ, और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है 99 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। भाई ब्रेसवेल पहुँच चुके हैं 35 रनों के स्कोर पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलेंगे भाई 91 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करके सपोर्ट हमें कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ, विक्रम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई विक्रम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बॉलिंग नहीं करता भाई, बॉलिंग करता है मगर फिलहाल बैट्समैन जिस तरीके की फॉर्म में है मुझे लगता है कि दूसरे कोई अपनी जो स्ट्राइक गेंदबाज है उसी से गेंदबाजी करवाना चाहिए, जो रेगुलर गेंदबाज है उन्हीं से गेंदबाजी कराना चाहिए विक्रम तिवारी जी। जो वॉल्कर इस पिच पे थोड़ी सी मदद मिल रहा है, छक्का खाएगा जरूर, खाया है जरूर, मगर मुझे लगता है कि स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर जो वॉल्कर को, फिलहाल जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया है उसको देख के लगा नहीं था कि भाई जो कुछ फर्क पड़ेगा, मगर जो वॉल्कर की गेंदबाजी देख के फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वॉल्कर जो है विकेट ले सकते हैं। फिलहाल वेलिंगटन का इसको 100 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार बैकफुट में गए, हाँ में खेल दिया बॉल को और यहाँ पर कैच आउट, जिस बात की मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर आउट होता हुआ जो वॉल्कर की गेंद थी और बैकफुट में जाके पुल करने की कोशिश, डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद थे और जो वॉल्कर को विकेट मिल चुका है, और फिन एलन आउट होता हुआ, जी हाँ फिन एलन यहाँ पर आउट होता हुआ, बेहतरीन कैच लिया है, यहाँ पर देखना होगा कि कौन कैच लिया है, किडनी यहाँ पर क्लार्की, जी हाँ कॉटनी क्लार्की यहाँ पर कैच लिया है, और इसी के साथ दूसरा विकेट भी वेलिंगटन का गिर चुका है यहाँ पर 100 रनों पे 2 विकेट। चलिए राज साइनी जी यहाँ पर दूसरा विकेट भी चला गया है यहाँ पर वेलिंगटन का, और बहुत ही ताबड़तोड़ 64 रन बना के आउट हो चुके हैं यहाँ पर फिन एलन। नए बल्लेबाज ब्लेंडल आए हैं, टॉम ब्लेंडल सुपर स्मैश लीग में, ये 49वां मैच है और 1011 रन इनके नाम है, 25 की औसत से ये सुपर स्मैश लीग में रन बनाए हैं, 129 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। तो फिलहाल 93 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके
सपोर्ट कर सकते हैं भाई। और जो लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं भाई, 7 लाइक दूर है स्लिप है 100 लाइक से, और यहाँ पर आप लोग जल्द से जल्द भाई 100 लाइक पूरे कर दे। देखते हैं कौन भाई है जो यहाँ पर जल्द से जल्द हमें 100 लाइक तक पहुँचाते हैं। क्या लगता है भाई यहाँ पर विलिंगटन फायरबर्ड्स जो है कितने रन आखिरकार बनाएगा? देखिए, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। ब्लिंडल दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, और जो वॉलकर फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए, आखिरी गेंद है और इस बार अच्छी गेंद, बैक क्विकर डिलीवरी था, अगेंस्ट द स्पिन जाके बॉल को खेल दिया सीधा बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। 9 ओवर के बाद वेलिंगटन का स्कोर 100 रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। देखिए दो भाइयों ने फिर लाइक किया है, यहाँ पर 96 लाइक तक पहुंचा दिया है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। फिलहाल यहाँ पर ब्रेसवेल 22 गेंदों पर 36 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं, और सामना करेंगे मिचेल स्टेनर की। इस ओवर दूसरे ओवर स्टार्ट होने वाला है, मिचेल स्टेनर बाएँ हाथ के गेंदबाज है और सामना करेंगे ब्रेसवेल, बाएँ हाथ के खिलाड़ी को बाएँ हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करता हुआ मिचेल स्टेनर। इस बार आगे निकल के आए, बॉल को आगे, थोड़ी सी बैट्समैन को आगे निकलने के लिए इस जगह पे इसी लेंथ पे बॉलिंग डाल रहे हैं यहाँ पर मिचेल स्टेनर, बैट्समैन को मजबूर कर रहा है कि आगे निकल के खेले, और ब्रेसवेल लगातार आगे निकल के आ रहे हैं बॉल को खेलने के लिए। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए। थैंक यू सो मच भाई, 99 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया। इस बार लेग स्टंप से दिशा से भटके, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन वेलिंगटन का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, फैंटेसी किंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। और इसी तरीके से भाई लाइक करें, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीछे एक बार लेग स्टंप पे बॉल पिच हुई, गेंद थी पैड की, पैड पे लगी और यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गया है, सिंगल लेता हुआ लेग बाय कैसा राम पैर का। तो क्या लगता है भाई यहाँ पर 98 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक कर, देखिए 100 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर 100 लाइक तक पहुँचाने के लिए। कुलदीप माथुर जी देखते हैं भाई यहाँ पर गेंदबाजी, यहाँ पर स्टेनर कर रहे हैं, तो स्टेनर एक अच्छे गेंदबाज हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर विकेट मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लिंडल जो कि नए बल्लेबाज है, तो यहाँ पर सामना करेंगे स्टेनर की गेंद का। इस बार अच्छी गेंद सीधा बल्ले से खेला था बॉलर के हाथ के तरफ, मगर यहाँ पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। ग्रैंड होम को बॉलिंग दो कमलेश चौहान जी, ग्रैंड होम को फिलहाल मुझे लगता है कि अपने जो यहाँ पर रेगुलर गेंदबाजी करते हैं उसी को गेंदबाजी करवा रहे हैं जीत रिविल। इस बार बैकफुट में गया, बॉल को खेल दिया है कवर की दिशा में, मगर जीत रिविल वहां पर फील्डिंग कर रहा है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। ब्लिंडल भी अच्छे गेंद यहां पर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ब्लिंडल की अगर बात करें तो इनका एवरेज बहुत ही बढ़िया है, ब्लिंडल का एवरेज जो है 25 का एवरेज है और 129 की स्ट्राइक रेट भी है। तो अपना खाता खोला है सिंगल रनों के साथ, स्कोर जो है यहाँ पर वेलिंगटन का 103 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 102 यहाँ पर 101 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। आखिरी गेंद है इस ओवर का, और सामना करेंगे यहाँ पर ब्रेसवेल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ ब्रेसवेल को फिर से एक बार ऑफ स्टंप पे हाथ खोलने का मौका मिला, रूम मिला था इस बार, बॉल को खेल दिया है इस मिड विकेट की दिशा में, और ग्रैंड होम ने बॉल को फील्ड किया है 2 रन आराम से लेते हुए, और इसी 2 रनों के साथ 10 ओवर के बाद वेलिंगटन का स्कोर 105 रन बन चुका है 2 विकेट का नुकसान पे। फिलहाल रन की गति जो है दूसरा विकेट जाने के बाद थोड़ी सी धीमा जरूर हुआ है। गजेंद्र जी भाई आपका तबीयत ठीक नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा भाई जल्द से जल्द आप ठीक हो जाए और दोबारा से हमारी चैनल पे आ जाए। आप हमारी चैनल पे बने हुए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आज ही आपका तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगा। तो लाइक जरूर करें, उसका नाम स्टेनर नहीं संटनार है, जी भाई संटनार है जरूर। मिचेल संटनार, थैंक यू कमलेश चौहान जी, थैंक यू। एक होता है फ्लो,
फ्लो में निकल जाया करता है भाई, फ्लो में निकल जाया करता है। ये होता है फ्लो, जब आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मैच को लेके, और आप लोग बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा फ्लो में निकल जाया करता है। ब्रिसबेन फिर से एक बार 38 रनों के स्कोर पे सामना करेंगे जो वॉल्कर की गेंद का। इस बार थोड़ी सी आगे निकल के खेलने की कोशिश, बॉल को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, दो रन, मिड विकेट काफी दूर खड़े थे और यहां पर दो रन मिल जाएगा ब्रिसबेन को। और इसी के साथ स्कोर जो है 10 ओवर दो गेंदों के बाद 108 रन दो विकेट के नुकसान पे। ब्रिसबेन भी 40 रनों के स्कोर पे पहुंच चुका है 26 गेंदों का सामना किए हुए। जो वॉल्कर ने यहां पर रन की गति में थोड़ा सा जो है रोक लगाया है फिन एलन को आउट करके। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें, और चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है भाई। जी हां, बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहां पर जीतेगी, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दो सौ प्लस रन हो जाएगा, मुझे भी लगता है कि यहां पर 200 रन जरूर बन जाना चाहिए जिस तरीके की बल्लेबाजी। और इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है वन बाउंस फील्डर के पास यहां पर 4 रनों के लिए। तो चलिए फिर से एक बार हाँ में खेल दिया है बॉल को डीप मिड विकेट के ऊपर से निकालने की कोशिश, और ये 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर। और यहां पर ब्रिसबेन इसी छक्के के साथ 50 रन भी पूरे कर लिए हैं अपना, ब्रिसबेन भी यहां पर 50 रन पूरे कर लिए हैं अपना, और स्कोर को वेलिंगटन का पहुंचा दिया है 119 रन दो विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन यहां पर मैच होता हुआ भाई, जी हां बेहतरीन मैच होता हुआ, वेलिंगटन जो है यहां पर बेहतरीन मैच खेलता हुआ। ब्रिसबेन जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है 178 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, अक्षय कुमार जी कह रहे भाई यहां पर वेलिंगटन जीतेगा, मुझे भी लगता है कि यहां पर वेलिंगटन जीत सकता है। जो वॉल्कर जिन्होंने फिन एलन का विकेट लिया था इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए, पहली ओवर में जो वॉल्कर ने विकेट निकाला था फिन एलन का, ये इनका दूसरा ओवर है और काफी महंगा, अब तक इस ओवर में 14 रन दे चुके हैं। और 106 भाइयों ने यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट किया है भाई, जी हाँ 106 भाइयों ने यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। ब्रिसबेन फिर से एक बार सामना करेंगे, तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जरूर बताइए कि यहाँ पर कितने रन बनेंगे वेलिंगटन का। यहाँ पर प्रसांग तमांग जी कह रहा है कि 200 प्लस बन जाएगा, प्रसांग तमांग जी कह रहा है कि यहाँ पर 200 प्लस बन जाएगा। ग्राउंड छोटा है क्या भाई? ग्राउंड छोटा तो नहीं है मगर अच्छी ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो 160 का है, मगर वेलिंगटन इस ग्राउंड पे सबसे अधिक 200 रन बना चुके हैं। इस ग्राउंड पे डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में वेलिंगटन का रिकॉर्ड है सबसे अधिक रन बनाने का, वो है 200 रनों का, 5 विकेट खोके इन्होंने 200 रन बनाए थे। फिलहाल यहाँ पर 11 ओवर खत्म हो चुके हैं, 11 ओवर के बाद वेलिंगटन का स्कोर 122 रन दो विकेट के नुकसान पे। चलिए महीनुल हक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 198 टारगेट होगा, यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं भाई यहाँ पर 210 रन बनेंगे, चलिए देखते हैं। रवि भरद्वाज जी 275 तो नहीं बनेगा भाई, आप 175 कहना चाहते थे शायद। जसवंत जी 250 प्लस देखते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, रवि भरद्वाज भी ठीक हो सकते हैं जिस तरीके की अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज नहीं, खास करके ब्रिसबेन, फिन एलन तो आउट हो चुके हैं, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग किया था, 64 रन बना के आउट हुए, और ब्रिसबेन फिलहाल 30 गेंदों पे 53 रनों के स्कोर पे। फिर से एक बार सऊदी टीम, सऊदी आए हैं अपना तीसरा ओवर डालने के लिए। जीत रिबेल अपनी जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है, जो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लगातार चेंजेस करते रहे हैं, और ये एक अच्छी सोच है यहाँ पर टीम सऊदी का लाने का। जी हाँ, अगर इस जगह पे एक और विकेट लिया जाए और ब्रिसबेन जैसी बल्लेबाज को आउट किया जाए तो वेलिंगटन की जो ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा।
इस बार हवा में खेलने की कोशिश, मगर पूरी तरीके से बीट हो गए बॉल, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। प्रशांत तमांग जी कह रहे 200 प्लस फिक्स है, चलिए देखते हैं 200 ब्रेसवेल का क्या कर आया आज, कर खा क्या है भाई ब्रेसवेल आज जो है पूरी तरीके से यहाँ पर क्या खा के आया होगा पूछना पड़ेगा भाई। आज जिस तरीके की खाना खा के आए हैं उसी तरीके की खाना यहाँ पर नॉर्थन ब्रेव्स को खिलाड़ी को खाना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद, बैट का एज लिया, बॉल चला गया है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर काफी यहाँ पर दूर खड़े थे और यहाँ पर दो रन लेते हुए ब्रेसवेल 32 गेंदों पे 55 रनों के स्कोर पे है ब्रेसवेल। फिलहाल में यहाँ पर सुंदर वासखाले जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 186 रन बनेंगे, अनिश पटेल जी कह रहे हैं 95 रन बनेंगे भाई यहाँ पर बन सकते हैं। तो 111 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और जो लोग चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर से एक बार ब्रेसवेल सामना करके बाएं हाथ का खिलाड़ी को डाइन यहाँ से ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार मिडल ऑफ द बैट खेल दिया है मिड ऑफ के तरफ, मिड ऑफ में बहुत ही तेज भागे रन के लिए यहाँ पर ब्रेसवेल और एक रन भी कंप्लीट कर लिया है। प्रतिम ठाकुर जी हमारे साथ, प्रीतम ठाकुर जी कह रहे हैं कि 210 प्लस जी, चलिए देखते हैं 210 रन प्लस हो सकते हैं, गुड थिंकिंग भाई। 113 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। ब्लेंडल जी हाँ ब्लेंडल स्ट्राइक पे हैं, सामना करेंगे टीम सऊदी की गेंदबाजी का, 205 रन बनेंगे। अनिल सिंह यादव जी देखते हैं, मुझे भी लगता है कि 200 के आसपास ही रन बन जाएगा। यहाँ पर 114 भाइयों ने लाइक कर दिया है, फिर से एक बार टीम सऊदी की गेंद, ब्लेंडल ने इस बार उठा के खेला है और यहाँ पर बेहतरीन कैच और यहाँ पर अनुराग वर्मा ने कैच लिया है और इसी के साथ तीसरा विकेट भी गया है। ब्लेंडल आज भी नहीं खेल पाए, 6 गेंदों पे 2 रन बना के ब्लेंडल आउट हो चुके हैं। टीम सऊदी को लाने का फायदा जरूर मिला है और यहाँ पर वेलिंगटन का तीसरा विकेट भी गिरा है, अनुराग वर्मा ने एक लपकते हुए मिड ऑफ में कैच ले लिया है और इसी के साथ स्कोर जो है 125 पे 3 भाई। जिस कारण से यहाँ पर जीत रिविल जो कि कप्तान है यहाँ पर नॉर्थन ब्रेव्स का, उन्होंने गेंदबाजी टीम सऊदी को थमाया था, उस कारण यहाँ पर विकेट मिल चुका है टीम सऊदी को और यहाँ पर मुझे लगता है वेलिंगटन फायरबर्ड्स के ऊपर दबाव थोड़ा सा जरूर बनेगा। तो भाई यहाँ पर 114 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा जिमी निशाम, जी हाँ एक अच्छे ऑलराउंडर है जिमी निशाम, आज देखना होगा कि जिमी निशाम यहाँ पर क्या करते हैं। जी हाँ जिमी निशाम एक अच्छे ऑलराउंडर है, तो देखना होगा कि आज यहाँ पर क्या करते हैं भाई। तो लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। जिमी निशाम सुपर स्मैश लीग में ये इनका 57वां मैच है, अब तक 893 रन बना चुका है, 26 की औसत से इन्होंने रन बनाए हैं। आएगा खेलते हुए, तो चलिए सुलवार बॉल पैर की तरह बॉल किया था और यहाँ पर सिंगल लिया है, आते ही जिमी निशाम ने अपने सिंगल से खाता भी खोल लिया है। जिमी निशाम नहीं, यहाँ पर ब्रेसवेल ने खाता खोल यहाँ पर रन लिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 126 रन बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी यहाँ पर संपत जी जुड़ चुके हैं वो बोल रहे हैं कि 190 नीचे बनेगा बोल्ट में, चलिए देखते हैं बोल्ट आखिरी ओवर जो डेथ ओवर होंगे उस डेथ ओवर में बैटिंग करने लायक बैट्समैन अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि 200 की करीब आसपास रन पहुंच जाएगा। जिमी निशाम जो कि यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, सामना करेंगे टीम सऊदी की इस ओवर की आखिरी गेंद का। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई बोल्ट की तो खटिया खड़ी कर दिया था फिन एलन ने, फिलहाल डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे ट्रेंट बोल्ट और मुझे लगता है जब डेथ ओवर में ट्रेंट बोल्ट जैसी बल्लेबाज गेंदबाजी करते हैं तो विकेट मिलने का चांस
मिल ज़्यादा हो जाता है। ट्रेंट बोल्ट के पास वो क्षमता है कि ये यॉर्कर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर डेथ ओवर में यॉर्कर की बहुत मायने हैं। और जब डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट का थोड़ा एक दो विकेट लेने का चांस तो ज़रूर बनेगा। 12 ओवर के बाद 126 रन बन चुके हैं भाई। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने 2 ओवर डाले हैं, 31 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिला है। टीम सऊदी ने 3 ओवर डाले हैं, 17 रन दिए और 2 विकेट चटके। सबसे सफल गेंदबाज अब तक का टीम सऊदी रहे हैं। अनुराग वर्मा ने 2 ओवर डाले हैं, 23 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिला है। आयस सूदी ने 1 ओवर में 15 रन दिए और इनको फिलहाल कोई गेंदबाजी नहीं दिया गया है। मिचेल स्टेनर भी 2 ओवर में 15 रन दिए और जो वलकर 2 ओवर में 24 रन दिए और 1 विकेट भी निकाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो वलकर आए हैं अपना 3रा ओवर डालने के लिए और सामना करेंगे ब्रेसवेल जो कि 34 गेंदों पर 57 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप पे बॉल थी, खेलने की कोशिश किया था, बैट का एज लिया, विकेट कीपर के पीछे से पहुंच गया है यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। आयस सोदी कोशिश कर रहे थे बॉल को रोकने के लिए मगर कामयाबी बॉल को मिला है और इसी के साथ चौका मिल चुका है। 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो भाई 117 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाई यहाँ पर आप भी लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, हार्ट खोलने की मौका दे रहे हैं और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 131 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। तो भाई यहाँ पर 119 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, 120 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जी हाँ भाई यहाँ पर इसी तरीके से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, फिलहाल बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिला है। ब्रेसवेल जिस तरीके से बैटिंग किया, खास करके टीम एलन ने जिस ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग किया उसको देखते हुए अब तक यहाँ पर विलिंगटन ने 12 ओवर 3 गेंदों के बाद 132 रन बना लिया है 3 विकेट के नुकसान पर। और जिमी निशान अभी तक अपना खाता खोल चुके हैं 1 रनों के स्कोर पे। और मुझे लगता है कि आज ब्रेसवेल 67 गेंदों पे 63 रन और मुझे लगता है कि आज ब्रेसवेल को खेलना होगा। अगर वेलिंगटन को जिस जैसे शुरुआत मिला है अगर यहाँ से अगर कम से कम 200 रन तक नहीं पहुँच पाते हैं तो ये शायद कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो वेलिंगटन को यहाँ पर जिस तरीके की शुरुआत देने की कोशिश किया था ब्रेसवेल और क्वीन एलन ने उसको देखते हुए लगता है कि आज जो है यहाँ पर वेलिंगटन फायरबर्ड्स 200 के आसपास रन जरूर बना लेगा। नॉर्थर्न ब्रेव्स फिलहाल यहाँ पर जूझते हुए अपनी फॉर्म से बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला, टॉस आज और यहाँ पर हाँ में और यहाँ पर कैच ले लिया गया, जीत रिविल ने कैच लिया है, बहुत ही उमदा फील्डिंग। जो वलकर की गेंद थी बॉल को बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश किया था ब्रेसवेल ने कवर की दिशा में मगर कवर में फील्डिंग कर रहे थे यहाँ पर जीत रिवेल और इसी के साथ 4th विकेट। ब्रेसवेल जैसी बड़ी बैट्समैन को यहाँ पर जो वलकर ने आउट कर दिया है, जीत रिवेल ने कैच लिया है और इसी के साथ 134 रनों पर वेलिंगटन का 4th विकेट भी गिर चुका है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निखिल गिमित जी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवेर खान जी हमारे साथ, जो कौन जूझ सकता है आज भाई, मुझे लगता है कि आज मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 126 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू ब्रिज पॉल पॉल जी, ब्रिज पॉल पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरीके से जुड़े रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, फिलहाल कैच को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर आउट का डिसीजन आ चुका है। जी हाँ आउट का डिसीजन आ चुका है।
तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब बता सपोर्ट सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल रचिन रविंद्र आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, 25 मैच में 305 रन इनके नाम है। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर देना, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है रविंद्र आए हैं, और जिस अंदाज से यहाँ पर मुझे लगता है कि फिलहाल जो है 190 की करीब हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलने आईएस सोदी आए हैं गेंदबाजी के लिए, और देखना होगा कि आईएस सोदी यहाँ पर क्या विकेट ले पाते हैं कि नहीं। जी भी निशान है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे आयस सोदी की गेंदबाजी का। आयस सोदी अब तक सिर्फ एक ओवर डाले थे और एक ओवर में काफ़ी महंगे रहे थे, ये इनका दूसरा ओवर है आयस सोदी का। फिर से एक बार राउंड आकर बॉल करता हुआ जी भी निशान को बैकफुट में जाकर खेलने की कोशिश, कवर की दिशा में बॉल गया है, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो भाई हमारे साथ अब 140 180 भी नहीं जाएगा, चलिए देखते हैं। निखिल गिमिट जी कह रहा है विकेट चाहिए भाई, फिर से बार आयस सोदी गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे ये अपन जिमी निशा। राउंड देकर बॉल करता हुआ जिमी निशाम को, इस बार बैकफुट में गए, पुल कर दिया है बॉल को, फिर से एक बार मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ, और डॉट बॉल नहीं, यहाँ पर विकेट ले लिया है और कैच यहाँ पर आयस सोदी को विकेट मिला है और यहाँ पर जिमी निशाम आउट हो चुके हैं। फ्लाइटेड गेंद थी, बैकफुट में गए, पुल करने की कोशिश और मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थे जीत रिवेल। जीत रिवेल ने कैच लिया है और इसी के साथ यहां पर पांचवा विकेट 134 पे पांच हो चुके हैं। जिमी निशाम आज भी यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं, सिर्फ दो रन बना के आउट हो चुके हैं, आयस सोदी ने इनको आउट किया है। जी हाँ निखिल गिमित जी को विकेट चाहिए था, और देखिए तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है। 129 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है और आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है भाई। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से रन बने हैं यहाँ पर फिन एलन, तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट अभी जरूर करें। नाथन स्मिथ आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, जी हाँ नाथन स्मिथ आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही सिंगल रनों से अपना खाता भी खोल लिया है। धनेश्वर माजी जी हार गया भाई यहाँ पर द बिजनेस, चलिए देखते हैं, बने रहिएगा। प्रिंस जॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हु विल विन टुडे भाई, आज तो मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव आज बहुत ही स्ट्रांग टीम है इस मुकाबले में, मगर जिस तरीके से बैटिंग शुरुआत किया था फिन एलन और ब्रेसवेल ने,
तो लगा था कि भाई आज तो यहाँ पर बहुत बड़ी स्कोर खड़ा कर लेगा वेलिंगटन, मगर फिलहाल यहाँ पर दो विकेट ब्रेसवेल और फिन एलन के आउट होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से एक बार इस मैच में हावी हो चुका है नॉर्थर्न ब्रेव्स। और एक भाई ने हमें कहा था कि इस आप लोगों में से कोई एक भाई ने कहा था कि जो यहाँ पर वेलिंगटन का बैटिंग कोलैप्स्ड जरूर करेगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर वेलिंगटन का बैटिंग लाइन ऑफ क्लॉप कोलैप्स्ड करता हुआ। स्मिथ एक रनों के स्कोर पे और रविंद्र एक रनों के स्कोर पे 14 ओवर के बाद 136 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आयस सोदी ने दो ओवर डाले हैं, 17 रन दिए हैं और एक विकेट भी निकाल चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट का दो ओवर बाकी है फिलहाल और राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं ट्रेंट बोल्ट और सटनार निकाल पाए चलिए देखते हैं भाई। और हमारे साथ बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर। जो वॉल्कर आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, जी हाँ जो वॉल्कर आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए और जो वॉल्कर का सामना करेंगे यहाँ पर रविंद्र जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी है। मॉल को खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, सिंगल लेता हुआ दोनों ही बल्लेबाज के आप पास अब सिर्फ सिंगल लेने के सिवा कोई यहाँ पर विकल्प मौजूद नहीं है क्योंकि बहुत पांच आधी टीम वेलिंगटन का आउट हो चुका है 137 पे। अरशद आल हबीदी हमारे साथ जुड़ चुका है, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। सभी दोस्तों को बोलूंगा भाई 129 और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, जी हाँ जो वॉल्कर को यह तीसरा विकेट, बैकफुट में जाके बॉल को खेलने की कोशिश किया था स्मिथ ने और लाइन को मिस किया और इसी तरीके से स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया है जो वॉल्कर ने। छठा विकेट यहाँ पर आउट होता हुआ वेलिंगटन फायरबर्ड्स का। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ अच्छा खेलेगा, चलिए देखते हैं। रविंद्र फिलहाल बने हुए हैं और दो रनों के स्कोर पे 14 ओवर दो गेंदों के बाद 137 रन 6 विकेट पे नुकसान पे बने हैं। 129 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं भाई। मैच काफ़ी दमदार होने वाला है और आखिरी बॉल तक जाने वाला है। जी हाँ सेफर्ड अच्छा खेलेगा, जी हाँ भाई सेफर्ड तो अच्छा खेलेगा ही क्योंकि बैटिंग जिस तरीके की बॉलिंग बैटिंग देखने के लिए मिला था पहली कुछ ओवर में उसको तो देखते हुए लगता है कि सेफर्ड भी आज ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करेंगे। निखिल गिमित जी भाई 200 प्लस वाले कहाँ गए भाई पूछ रहे हैं। वैन विक जी हाँ ये एक गेंदबाज है मगर अच्छी बैटिंग भी करते हैं, 87 मैचों में 427 रन बनाए हैं सुपर स्मैश लीग में, 150 रन भी इन्होंने बनाए हैं सुपर स्मैश लीग में। तो भाई 130 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। स्मिथ सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं अब 160 रन भी मुश्किल है, 160 तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का, 160 रन यहाँ पर एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का, मगर वेलिंगटन का इस ग्राउंड पर सर्वाधिक 200 रनों का स्कोर है डोमेस्टिक टी ट्वेंटी में। देखिए जो वॉल्कर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जिस अंदाज से ये गेंदबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आज जो वॉल्कर यहाँ पर विकेट लेगा, तो 3 विकेट यहाँ पर जो वॉल्कर के ने निकाल लिया है। इस पिच पे इस ग्राउंड पे जो वॉल्कर को अच्छा खासा मदद मिल रहा था, पहली गेंद पे ही मैंने बता दिया था जो वॉल्कर की कि इसको विकेट मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इसको मदद भी मिल रहा है। थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है यहाँ पर वैन विक ने, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की दिशा में और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ, सिंगल नहीं यहाँ पर 2 रन ले चुके हैं और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर खाता भी खोल लिया है वैन विक ने। वेलिंगटन का इसको 14 ओवर 4 गेंदों के बाद 139 रन 6 विकेट के नुकसान पे। समत यहाँ पर संपत धर्माला जी हमारे साथ जुड़े, आई ऑलरेडी सेड इट विल बी अंडर 190। चलिए दोस्त यहाँ पर कोलैप्स हो गई बैटिंग, जी हाँ रमाकांत वर्मा जी कोलैप्स हो गई है बैटिंग, अगर ये बैटिंग कोलैप्स नहीं होती तो शायद कुछ अलग होता, मगर वेलिंगटन की बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी वीक है। फिलहाल वैन विक सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल डालता हुआ बैकफुट में गए, बॉल को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल मिल जाएगा।
और इसी सिंगल के साथ 140 रन पूरे हो चुके हैं वेलिंगटन के 15 ओवर के बाद। राज चक्रवर्ती कह रहा है कि भाई यहां पर वेलिंगटन ही विन होगा, चलिए देखते हैं। 133 भाइयों ने यहां पर लाइक कर दिया, तो आप भी यहां पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को अनुभव लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सोलहवें ओवर की स्टार्ट होने वाला है, जी हां सोलहवें ओवर की स्टार्ट होने वाला है। सोलहवें ओवर की स्टार्ट होने वाला है भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलेंगे भाई लाइक जरूर करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रविंद्र बैटिंग कर रहे हैं यहां पर दो रनों की स्कोर पे, तीन गेंदों का सामना किए हुए, और यहां पर नाथान स्मिथ को भी आउट कर दिया है जो वॉलकर ने क्लीन बोल्ड करके। वैन विक जो कि यहां पर चार रनों की स्कोर पे है, पांच गेंदों का सामना किए। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संटनार आए हैं गेंदबाजी के लिए और ये इनका तीसरा ओवर है और देखना होगा कि अभी तक एक भी सफलता इनको संटनार को नहीं मिला है। वैन विक सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, वैन विक जो कि दाएं हाथ का खिलाड़ी है, दाएं हाथ का खिलाड़ी को इस बार ओवर दो विकेट गेंदबाजी करते हुए स्ट्रेट बैट से खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, ड्राइव लगा के बॉल को रोका है सैंटनार ने और डॉट बॉल होता हुआ हीरोटिक लगा बोल्ट, चलिए देखते हैं। बोल्ट को लाना चाहिए भाई, बोल्ट को भी मुझे भी लगता है कि डेथ ओवर में लाना चाहिए, दो ओवर बाकी है तो मुझे लगता है कि इसके बाद का ओवर जो है ट्रेंट बोल्ट ही करने वाले हैं। इस बार रूम मिला था ऑफ स्टैंप पे, खेल दिया है बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक रन मिलेगा इस बार। थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिला था इस गेंद पे मगर फायदा नहीं उठा पाए वैन विक और स्कोर जो है 143 रन बन चुका है 6 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो भाई सेंटनर गेंदबाजी करते हुए और ये इनका तीसरा ओवर चल रहा है और चार गेंदे ये डाल चुके हैं। आप कहां देख रहे भाई, यहां पर रमाकांत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। और रमाकांत जी भी यहां पर कहते हैं कि 190 के आसपास ही रन बनेंगे, मुझे तो लगता है कि अब जो फिलहाल है यहां पर 160 रन बन सकते हैं। कुंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई कुंदन कुमार जी। अमित जेड एक्स वाई जी कितने ओवर का मैच है भाई, ये तो मैच 20 ओवर का और यहां पर बॉल को खेल दिया है शॉर्ट फाइल लेग की तरफ, यहां पर सिंगल लेता हुआ। 16 ओवर कंप्लीट हो चुका है, 16 ओवर के बाद 144 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी देना चाहिए, दो ओवर ट्रेंट बोल्ट का बाकी है और देखना होगा कि यहां पर ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आएंगे मुझे लगता है। जी नहीं, आए सोदी यहां पर गेंदबाजी करने आए हैं, आए सोदी को गेंदबाजी थमाया गया है भाई। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई 134 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहां पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाई आप भी यहां पर हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। रविंद्र सामना करेंगे यहां पर आए सोदी की गेंदबाजी का। आए सोदी फिलहाल दो ओवर डाले हैं, ये इनका तीसरा ओवर है और 17 रन दे के एक विकेट इन्होंने निकाले हैं आए सोदी ने। बोल्ट को नहीं दिया गया है भाई गेंदबाजी फिलहाल, मुझे लगता है कि बोल्ट सिर्फ और एक ओवर डालेगा, इन बोल्ट का दो ओवर बाकी है, मुझे लगता है सिर्फ एक ओवर दिया जाएगा बोल्ट को। रविंद्र फिर से एक बार बॉल स्वीप कर दिया, बॉल बैट का एज लिया मगर यहां पर थोड़ा सा जो है मिस टाइमिंग हुआ है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। 139 भाइयों ने यहां पर लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। क्या 8 विकेट गिर जाएगा इस टीम का भाई, 8 विकेट तो गिर जा सकता भी है अमित जी, क्योंकि आखिर के ओवर ट्रेंट बोल्ट करेंगे। टीम सऊदी का एक ओवर बाकी है जो कि विकेट टेकर सफल गेंदबाज है यहां पर टीम सऊदी, और जो वर्ल्ड कप का
बात करें तो जो वॉलकर ने तो अपना काम कर दिया है 3 विकेट निकाल के, तो यहाँ पर 8 विकेट होने का तो चांस है लगता है मुझे। 145 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। आयस सोदी फिर से बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करेंगे यहाँ पर वैन विक। 140 भाइयों ने लाइक कर दिया है भाई, थैंक यू सो मच भाई, और सिर्फ 10 लाइक दूर है 150 लाइक से। ये तो भाई 18 ओवर यहाँ पर 17 ओवर चल रहा है, देखना होगा यहाँ पर। मयूर जी मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, मगर देखना होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम सऊदी है और यहाँ पर हवा में खेल दिया है बॉल को, बॉल बैट का एज लिया है, विकेट कीपर के पीछे से बॉल चला गया है और यहाँ पर 2 रन लेते हुए वैन विक, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 148। ग्रैंड होम ने बॉल को रोका था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ग्रैंड होम द्वारा, और इसी 2 रनों के साथ 148 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यार अब कितने रन बनेगा भाई, मुझे तो लगता है कि कम से कम 170 की करीब तो रन जरूर बन जाएगा, 170 की करीब जरूर रन बनेगा भाई। 143 भाइयों ने लाइक किया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। वैन विक ने फिर से एक बार स्वीप किया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर जब तक थ्रो करे, ट्रेंड बोल्ट थे फील्डर जिन्होंने थ्रो किया, अच्छी आर्म थ्रो और तेज गेंदबाज यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही रन मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है वेलिंगटन का 149 रन 6 विकेट के नुकसान पे रहेगा भाई। मुझे लगता है कि 170 के आसपास रन जरूर बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितने, अद्रेस अल हवीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोल्ड हो गया यार, जी भाई बोल्ड नहीं हुआ भाई, फिलहाल बोल्ड नहीं हुआ भाई। एक सुधाकर ब्लॉक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं 165 रन बनेंगे, तो भाई देखते हैं 165 रन भी बन सकते हैं। कुंदन कुमार जी भाई 200 रन तो अब तो फिलहाल नहीं होंगे, कुंदन कुमार जी 399 भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले से तो चलिए भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, तो बता दें कि 100 यहाँ पर 17 ओवर के बाद 151 150 रन पूरे हो गए यहाँ पर वेलिंगटन का, 151 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अगला गेंदबाज कौन आएगा देखना होगा। 18वें ओवर मेरा कहना था कि किसी भाई का कहना था कि यहाँ पर मयूर जी का कहना था कि 18 ओवर जो है 18वें ओवर में ट्रेंड बोल्ट आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, फिलहाल देखना होगा कि कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ पर 143 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। रविंद्र जो कि 10 गेंदों पे 7 रनों की स्कोर पे खेल रहे हैं, और आयस सोदी ने अब तक सटनार, जी भाई सटनार आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना 4th ओवर डालेंगे सटनार आए हैं भाई गेंदबाजी के लिए, अपना 4th ओवर डालेंगे और सामना करेंगे रविंद्र। देखिए 145 भाइयों ने लाइक कर दिया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ रविंद्र को इस बार ऑफ स्टंप में बॉल थी, ऊपर की तरफ खेल दिया है हवा में, और यहां पर मिड ऑफ में फील्डर मौजूद है और सटनार ने विकेट निकाल लिया है रविंद्र का, बड़ा शॉट स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश किया था, बैट का एज लिया, मिड ऑफ में हेनरी कॉपर फील्डिंग कर रहे थे जिन्होंने ये कैच लिया है, आसान सा कैच। 7वां विकेट गिरता हुआ वेलिंगटन का, 151 पे 7 हो चुका है भाई। सुमित गुप्ता जी भाई मेरा टीम वेलिंगटन थी, लगता नहीं कि अब भी जीत पाएगा भाई, कुछ भी हो सकता है, वेलिंगटन का ये होम ग्राउंड है, गेंदबाजों को भी यहाँ पर वेलिंगटन की मदद मिल सकता है, बने रहिए मैच आखिर तक जाएगा और कुछ भी हो सकता है मैच में। 151 इस ग्राउंड पे फास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 160 का है, तो एवरेज स्कोर के आसपास यहाँ पर स्कोर वेलिंगटन ने बना लिया है, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर क्या बोलते हैं जो यहाँ पर मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा और आखिर तक मैच जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर वेलिंगटन ने 7वां विकेट अपना खो दिया है 151 रनों पे। तो भाई 147 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें और चैनल पर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैभव पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरह भाई जुड़े रहिए। और यहाँ पर 147 भाइयों ने लाइक कर दिया है, फिर से एक बार यंग हस्बैंड आए हैं गेंदबाज यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, वैन विक जो कि 8 गेंदों का सामना किए 8 रनों के स्कोर पे है,
सामना करेंगे सेंटनर की गेंद का। तो 147 भाइयों ने लाइक किया है, तो आप भी यहां पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बेहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रीतम ठाकुर जी, ये क्या हो रहा है भाई, 165 भी नहीं बनेगा भाई, 165 रन तो आराम से बन जाएगा मुझे भी लगता है। इस बार ऑफ स्टंप के बॉल था, खेल दिया था बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 152 रन 7 विकेट का नुकसान पे 185 रन होंगे। चलिए देखते हैं भाई रूप राम जी, यहाँ पर 185 रन तो मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके 150 लाइक तक पहुंचाने के लिए। सभी दोस्तों, सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच भाई 150 लाइक तक पहुंचाने के लिए। 170 तो नहीं हो रहा है सुमित गुप्ता जी, 170 तक तो नहीं होगा मुझे लगता है। फिलहाल 17 ओवर 4 गेंदों के बाद 153 रन 7 विकेट के नुकसान, बड़े शॉट नहीं लग रहा है। अगर एक भी बड़ा शॉट यहाँ पर लगा दे सकते हैं, वैन विक मौजूद है तो मुझे लगता है कि वैन यहाँ पर बड़ा शॉट देखने के लिए मिल सकता है। एक चौका तो जरूर आ सकता है भाई, अगर एक चौका आ जाएगा तो मुझे लगता है कि 165-170 के करीब रन जरूर बन जाएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ वैन विक को, ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक अतिरिक्त रन। तो भाई 150 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं भाई। अब बोल्ट को एक ओवर, दो ओवर बाकी है बोल्ट का, मुझे लगता है सिर्फ एक ओवर दिया जाएगा बोल्ट को। एक ओवर बोल्ट करेंगे, एक ओवर टीम साउदी करेंगे, यही होने वाला है फिलहाल मुझे लगता है डेथ ओवर में। अब देखना होगा कि यहाँ पर जीत रिवेल की सोच क्या है। सेंटनर का जो है यह आखिरी ओवर है और ये आखिरी बॉल, और इस बार वैन विक ने फिर से एक बार बॉल को खेल दिया है गैप में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, सिंगल रन मिलता हुआ और इसी सिंगल रन के साथ वैन विक ने स्ट्राइक अपने पास रखा है। 155 रन बन चुका है 7 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर के बाद। तो 152 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं भाई। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, और यंग हस्बैंड जो कि एक रनों से अपना खाता भी खोल लिया है। वैन विक आखिरी बॉल पे सिंगल लिया था, तो स्ट्राइक वैन विक के पास ही रहेगा। देखना होगा कि यहाँ पर कौन आते हैं गेंदबाजी के लिए, तेज गेंदबाज को लाए गए यहाँ पर, जी हाँ तेज गेंदबाज को लाए हैं फिर से एक बार। मिचेल स्टेनर की बात करें, सेंटनर की बात करें, तो 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट निकाले हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, वेलिंगटन हारेगी भाई, हारेगी या जीतेगी वो तो बात की बात है। फिलहाल जो है 155 पे 7 है और 2 ओवर अभी भी खेलना बाकी है, करीब 160 के ऊपर रन चल जाएगा और यहाँ पर एक अच्छी ताबड़तोड़ मैच देखने के लिए मिलेगा। ट्रेंट बोल्ट है यहाँ पर गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बॉलिंग वैन विक को, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ इस ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर हार्ड हिट करने की कोशिश, सिंगल लेते हुए 2 रनों की कोशिश है और यहाँ पर डीप मिड विकेट का फील्डर काफी पीछे था मगर यहाँ पर 2 रन नहीं ले पाए। अच्छी आर्म थ्रो, सिंगल रन ही मिलेगा, बोल्ट आ गया। जी भाई यहाँ पर मयूर वाले जी, मैंने कहा था कि बोल्ट को एक ओवर दिया जाएगा, मजा आ है। चलिए आंसू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। डेथ ओवर में, इस ओवर में मुझे लगता है यंग हस्बैंड जैसी टेल एंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो ट्रेंट बोल्ट के पास अपनी अनुभव है गेंदबाजी का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यॉर्कर देखने के लिए मिल जाएगा इस गेंद पे, यॉर्कर देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ, जी नहीं यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाली थी, बॉल को खेलने की कोशिश, बॉल सजा विकेट कीपर यहाँ पर टीम सेफर्ट के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ और यहाँ पर विकेट, जी हाँ ट्रेंट बोल्ट को विकेट मिल चुका है। बैट का एज लेके बॉल चला गया था यहाँ पर, जी हाँ बैट का एज लेके बॉल चला गया विकेट कीपर टीम सेफर्ट के पास, और अपनी चतुराई यूज यहाँ पर अनुभव को पूरी तरीके से यूज करता हुआ ट्रेंट बोल्ट ने विकेट निकाल लिया है। यहाँ पर 8 विकेट चला गया 156 पे 8 भाई। यहाँ पर हमारे कुछ कोई पूछ रहा था कि क्या 8 विकेट जा सकता है, मैंने कहा था कि भाई 8 विकेट जरूर जाएगा और इसी तरीके से 156 पे 8 हो चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट डेथ ओवर में अपना विकेट निकाल लिया है, पहला विकेट ट्रेंट बोल्ट का।
भाई क्या मैच है, पलटा यार। जी हाँ भाई, रविकांत वर्मा जी बहुत ही बड़ी बुरी तरीके से मैच पलटा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 153 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करिए। बिन सिर्स, जी हाँ बिन सिर्स आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, खास करके ये गेंदबाज है। 12 रन सबसे अधिक सुपर स्मैश लीग में इन्होंने बनाए हैं। ये रन तो आराम से चेज हो सकता भाई। इसमें सुमित गुप्ता जी, क्रिकेट में कोई भी चीज आराम से नहीं होता है। और यहां पर ट्रेंट बोल्ट को लगाता दूसरा विकेट। यहां पर मिड ऑफ में फील्डिंग कर रहे थे जीत रिवेल, जिन्होंने शानदार कैच लिया है, और आते ही ऑली न्यूटन यहां पर आउट होता हुआ। जी हां, ऑली न्यूटन यहां पर आउट होता हुआ। 9वां विकेट गिर चुका है वेलिंगटन का, 156 पे 9 हो चुका है भाई। ट्रेंट बोल्ट की फुल टॉस डिलीवरी, बॉल को खेला था कब यहां पर मिड ऑफ की तरफ, जहां पर फील्डिंग कर रहे थे जीत रिवेल, और इसी के साथ 9वां विकेट ट्रेंट बोल्ट को लगातार दो गेंदों पे दो विकेट। ये हैट्रिक बॉल है ट्रेंट बोल्ट के लिए भाई, ये हैट्रिक बॉल है ट्रेंट बोल्ट के लिए। तो जाइएगा कई मात 18 ओवर 3 गेंदों के बाद वेलिंगटन का स्कोर 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ये हैट्रिक बॉल है ट्रेंट बोल्ट के लिए। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 152 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पर आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं भाई। जब भाई बड़े रही हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हैट्रिक बॉल है, और यहाँ पर इस मैच में काफी शानदार मैच देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रेंट बोल्ट फिर से एक बार, बेन सेन ये आखिरी विकेट है, और चलिए देखते हैं बेन सेन को गली गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के हैट्रिक बॉल, बाएं हाथ, और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ। ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी बाहर बॉल थी, बॉल को खेल दिया है इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहाँ पर फील्डर मौजूद है, और एक ही रन मिलेगा, और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 157 रन 9 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। बेन विक 14 गेंदों पे 11 रनों के स्कोर पे। ट्रेंट बोल्ट कमाल की गेंदबाजी करता हुआ इस ओवर में अब तक। मैच वेलिंगटन जीतेगा भाई, चलिए देखते हैं। राहुल रंजन जी कह रहे हैं यहाँ पर वेलिंगटन जीतेगा मैच में, तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में जो सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है उसमें काफी जबरदस्त मैच देखने के लिए मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद यहाँ पर और फिर से एक बार बैट का एज लिया, बॉल चला गया डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिलेगा। लगातार दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वेलिंगटन एवरेज फास्ट इनिंग से एवरेज स्कोर के करीब रन बना लिया है 158 रन 9 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर फिर से एक बार बिन सिर्स, जी हाँ बिन सिर्स जो है सामना करेंगे ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की आखिरी गेंद का। इसके बाद मुझे लगता है टीम सऊदी आने वाले हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि टीम सऊदी का एक ओवर बाकी है, और टीम सऊदी ने दो विकेट निकाल चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर टीम सऊदी को करवाया गया, और इस बार हमें खेल दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की दिशा में, और 6 रनों के लिए बहुत ही उमदा शॉट वैन विक का। वैन विक का नहीं, यहाँ पर बेन सेर का छक्का था, ये बेन सेर का ये छक्का था, बेन सेर ने ये छक्का लगाया है, और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है यहाँ पर बन चुका है भाई 164 रन। बेन सेर ने भाई यहाँ पर वैन विक ने छक्का लगाया है, वैन विक ने छक्का लगाया है, और इसी छक्के के साथ वैन विक जो है 18 रनों के स्कोर पे पहुंच चुके हैं 19 ओवर के बाद 164 रन बन चुका है भाई। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैन विक ने यहाँ पर छक्का लगा के मैच की रुख बदल दिया है। वेलिंगटन फायरबर्ड्स का स्कोर 164 तक पहुंच चुका है, आखिरी ओवर बाकी है, और आखिरी ओवर करेंगे टीम सऊदी, जिन्होंने 3 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट निकाल चुके हैं। तो भाई 160 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके भाई सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पर धर्म रघुवंशी आपको पक्का पता है क्या। जी भाई देखते हैं भाई, टीम सऊदी की पहली गेंद, इस बार बैट का एज लिया, बॉल चला गया थर्ड मैन की तरफ, और यहां पर जी हां 2 रन की कोशिश होगी बिन सिर को, मगर यहां पर सिंह 2 रन, जी हां बिन सिर ने यहां पर 2 रन लिया है, और इसी के साथ स्कोर जो है 166 रनों तक पहुंच चुका है 9 विकेट के नुकसान पे।
ये आखिरी ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर में कितने रन आएंगे भाई जवेर खान जी। लास्ट ओवर में मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई कितने रन आते हैं। 160 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी जरूर यहाँ पर लाइक करें। बेंसेर बड़ी शॉट खेलने की कोशिश और यहाँ पर बॉल सीधा विकेट कीपर की दस्ताने में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 159 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। करंट रन रेट की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन करंट रन रेट चलता हुआ 8.59 का फिलहाल। जब यहाँ पर ब्रिसवेल और फिन एलन बल्लेबाजी कर रहे थे तो करंट रन रेट जो था वो 11 की करीब पहुँच, 11 से ज़्यादा पहुँच चुका था, करीब 12 की करीब पहुँच चुका था, मगर उसके बाद लगातार घटते हुए यहाँ पर 8.89 का हो चुका है। और इस बीच काफ़ी रिक्सी सिंगल था जिसको कम्प्लीट किया है बेंसेर ने 167 नौ विकेट के नुकसान पे। वैन विक फील्डर से एक बार सामना करेंगे टीम सऊदी की गेंद का, आउट हो जाएगा अब ये। चलिए देखते हैं भाई, 164 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए टीम सऊदी की गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर वैन विक जो कि 16 गेंदों पर 18 रनों के स्कोर पे है। फिलहाल वैन विक के पास बड़ी शॉट लगाने की क्षमता है, तो यहां पर देखना होगा कि एक बड़ा शॉट आता है कि नहीं। इस ओवर की चौथी गेंद और सामना करेंगे वैन विक। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को एक बार लाइक जरूर कर देना, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट अभी जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इस बार लेग से यॉर्कर दी गेंदबाजी किया था और यहां पर विकेट, जी हां यॉर्कर गेंद पैर पे लगा और यहां पर वैन विक, पूरी टीम जो है वेलिंगटन का 167 पे आउट हो चुका है। शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर टीम सऊदी ने अपना तीसरा विकेट ले लिया है और वेलिंगटन की पूरी टीम जो है यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है। जी हाँ, पूरी टीम जो है यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर और इसी के साथ वेलिंगटन का पूरा इनिंग्स जो है खत्म हो चुका है। जी हाँ, पूरा इनिंग जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है भाई, स्वीप और स्वीप 167 रनों पे। तो क्या लगता है भाई, अब जो है यहाँ पर थोड़ी देर में आपके पास पूरी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई सभी को लाइक जरूर कर देना। नाथान स्मिथ सिर्फ एक रन बना के जो वर्ल्ड कप का शिकार बने, आज जो बल्लेबाजी किया था आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा गेंदबाजी देखने के लिए मिला है। वैन विक 17 गेंदों पर 18 रन बना के आउट हो चुके हैं, 17 गेंदों पे 18 रन बना के। तो शानदार बैटिंग किया था वैन विक ने और आखिरकार यहाँ पर स्कोर को कम से कम पहुँचा दिया है 167 पे 10 हो चुके हैं। तो भाई थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने होगा।
पूरी स्कोर कार्ड आपके सामने होगा थोड़ी देर में भाई। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल जो है यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ बेहतरीन मैच होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे 19 ओवर 4 गेंदें खेले गए हैं और टोटल 167 रन बने हैं और यहाँ पर 10 विकेट खो दिया है टीम ने। तो भाई पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने है। आज यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का या गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहाँ पर पहले गेंद, जी हाँ यहाँ पर पहले गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वेलिंगटन पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत ही पहला विकेट बहुत ही जल्द आ चुका था, मगर उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए वेलिंगटन ने 167 रन बनाए हैं और पूरी टीम जो है यहाँ पर 10 पूरी टीम जो है 167 रनों पे आउट हो चुकी है सिर्फ 19 ओवर 4 गेंदों पे। और गेंदबाजी की अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर डाले हैं, 40 रन दे के 2 विकेट निकाले हैं। पहली 2 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी महंगा रहे थे, महंगे गेंदबाजी किया था, मगर उसके बाद आखिरी डेथ ओवर में 18वां ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिया गया और 19वें ओवर जो है वो ट्रेंट बोल्ट को दिया गया और उसमें गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 विकेट ले लिए हैं। टीम सऊदी ने 3 ओवर 4 गेंदें किए हैं, 20 रन दे के 3 विकेट लिए हैं। अनुराग वर्मा को 2 ओवर दिया गया है और 23 रन दिया और कोई सफलता इनको नहीं मिला। आयश सोदी भी 3 ओवर डाले हैं, 23 रन दे के 1 विकेट निकाले हैं। मिचेल स्टेनर जिन्होंने 4 ओवर डाले हैं, 23 रन दे के 1 विकेट, आखिरी ओवर में मिचेल स्टेनर ने विकेट निकाले हैं। जो वर्कर ने काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 36 रन दे के 3 विकेट निकाले हैं। खास करके जो वॉलकर ने आज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्ले गेंदबाजी किया है और जो वॉलकर ने फिन एलन जैसी सेट बैट्समैन को आउट किया है, माइकल ब्रेसवेल जो कि पूरी तरीके से सेट हो चुके थे 63 रनों की स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे थे और उनको भी आउट किया है। जो वॉलकर ने नाथन स्मिथ को भी क्लीन बोल्ड किया था। तो भाई यहाँ पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर यहाँ पर गेंदबाजी किया था जो वॉलकर ने। फिलहाल वेलिंगटन को यहाँ पर बना लिया और वेलिंगटन ने बना लिया है 167 रन 10 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर 4 गेंदों के बाद। तो भाई बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो भाई मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कि थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होगा, जी हाँ थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस रन को चेस करने के लिए देखना होगा कि कौन कौन आते हैं यहाँ पर पारी की शुरुआत करने नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से। मुझे लगता है कि पारी की शुरुआत करेंगे टीम सेफर्ड एंड यहाँ पर पारी की शुरुआत कर सकते हैं टीम सेफर्ड और कॉटनी क्लार्क। कॉटनी क्लार्क और टीम सेफर्ड ये दोनों पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ भाई यहाँ पर पारी की शुरुआत कर सकते हैं कॉटनी क्लार्क एंड जी हाँ यहाँ पर कॉटनी क्लार्क और टीम सेफर्ड नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आएंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे जीत रिवेल। जी हाँ जीत रिवेल तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं ग्रैंड होम आ सकते हैं क्योंकि अच्छी फॉर्म में है और ग्रैंड होम ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी किया है। अब तक यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से ग्रैंड होम ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी किया है। इन्होंने ग्रैंड होम की बात करें तो राइट हैंडेड बैट्समैन है और ऑकलैंड एक्सिस के खिलाफ 126 रन बनाए थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमेस्टिक T20 मतलब सुपर स्मैश लीग में सेंट्रल स्ट्राइक के खिलाफ 86 रनों का 45 गेंदों पर 86 रन बनाए थे। वेलिंगटन के खिलाफ भी इन्होंने 46 गेंदों पर 41 रनों का पारी खेला था। फिर पिछली मैच कैनबेरी किंग्स के खिलाफ इनका बल्ला नहीं चला था, मगर मुझे लगता है कि आज जो है यहाँ पर ग्रैंड होम चौथे नंबर पर
टीम के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगला जो खिलाड़ी है यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर मिचेल सांटनर, जी हाँ भाई मिचेल सांटनर आ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, या हेनरी कॉपर, इन दोनों में से कोई आ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए भाई। तो भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर करें। हेनरी कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है मिचेल स्टेनर से पहले आएंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है और पिछले कुछ मैचेस में इनका बल्ले से रन नहीं आए हैं। पिछली मैच वेलिंगटन के खिलाफ इन्होंने 19 गेंदों पे 17 रन बनाए थे। मिचेल स्टेनर भी फिलहाल यहाँ पर बैटिंग में इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है और लगातार दो मैचेस में इन्होंने अच्छा रन नहीं बनाए हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई यहाँ पर विलिंगटन फायर और यहाँ पर थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा और नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास टारगेट है 168 रनों की। जी हाँ और नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास यहाँ पर मौजूदा टारगेट है 168 रनों की। तो दो मिनट का ब्रेक लेता हूँ, दो मिनट बाद फिर से आपके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है, जी हाँ पहला विकेट गिर चुका है और इसी के साथ स्कोर जो है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रीफ की शुरुआत जो है बहुत ही ख़राब हुआ है। दूसरे इस मतलब ओवर की दूसरे ही गेंद पे यहाँ पर पहला विकेट निकाल लिया है स्मिथ, नाथन स्मिथ ने गेंदबाजी किया था, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैट का एज लिया ओवर, विकेट कीपर ने कैच लिया है और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। यहाँ पर कैटनी क्लार्क 4 रन बना के आउट हो चुके हैं, ब्लेंडेल ने कैच लिया है। तो भाई पहला झटका नॉर्थर्न ब्रेव्स को लग चुका है यहाँ पर पहली ही ओवर में विकेट खो देने का मतलब होता है बहुत ही, और कैटनी क्लार्क जैसी बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके हैं नॉर्थर्न ब्रेव्स का। टीम सेफर्ड अभी भी मौजूद है, जीत रिवेल जो कि कप्तान है 46वां मैच है और अब तक 22 की औसत से इन्होंने 935 रन बना लिया है, 50 रन का भी आंकड़ा पार किया है, अधिक रन सबसे बेस्ट है सुपर स्मैश लीग में 70 रन। प्रिंस जॉयची यहां पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत सकता है। फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव्स दबाव में रहेंगे क्योंकि 168 रन बनाने हैं और यहां पर पहला विकेट नॉर्थर्न ब्रेव्स का गिर चुका है, वो भी कॉटनी क्लार्की का। जीत रिवेल फिलहाल मैदान पे है और टीम सेफर्ड फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं। विलिंगटन 100% जय जवन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई।
इसी तरह भाई जुड़े रहिए और लाइक जरूर कीजिए, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और 165 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ राम द विकेट, बैक ऑफ लेन बॉल, बॉल को ड्राइव कर दिया इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। तो थोड़ा सा जोश बढ़ चुका है यहां पर वेलिंगटन का, वेलिंगटन फायर बर्ड्स की जोश जो है यहां पर बढ़ चुका है। जीत रिवेल जो कि यहां पर सामना करेंगे नाथन स्मिथ की गेंदबाजी का, दाएं हाथ के गेंदबाज है नाथन स्मिथ और राउंड द विकेट बॉल करता हुआ जीत रिवेल को, बाएं हाथ के खिलाड़ी को इस बार स्ट्रेट डाई बॉल, मगर यहां पर बहुत ही उम्दा तरीके से इसको जोरदार अपील किया था यहां पर नाथन स्मिथ, मगर अंपायर ने इसको नकार दिया है। थोड़ा सा बॉल जो है लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, तो इसी के साथ कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। आई नीड विकेट, सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर विकेट चाहिए उनको, तो थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और देखना होगा यहाँ पर थोड़ी सी संभल के खेलना होगा, पावर प्ले निकालने होंगे, और मुझे लगता है नॉर्थर्न ब्रेव्स को अगर इस मैच में थोड़ा भी जीत हासिल करना है तो नॉर्थर्न ब्रेव को कम से कम पावर प्ले के दौरान कोई और विकेट नहीं गिनने होंगे। इस बार शॉर्ट फाइन लेग की तरफ बॉल गया था, रन लेने का चाहते थे मगर अच्छी थ्रो वहाँ पर, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। फिलहाल जो है यहाँ पर कोई रन नहीं बने हैं, डॉट बॉल होता हुआ। पांच गेंदे हो चुके हैं और हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो भाई इसी तरह से जुड़े रहिए और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल जीत रवेल सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का, नाथन स्मिथ राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ रेवल को, और यहाँ पर बेहतरीन गेंद, बॉल को स्ट्रेट आया था, स्ट्रेट गेंदबाजी, अच्छी लेंथ पे बॉल डाला था, बॉल को डॉट बॉल होता हुआ। और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहला ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रिज का स्कोर 4 run 1 wicket के नुकसान पे बना है। फिलहाल 166 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। क्या लगता है भाई ये कौन सी टीम आज यहाँ पर जीतेगी, कॉमेंट जरूर करें। फिलहाल मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहां पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए चांस बहुत ही ज्यादा है। थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। देखिए यहां पर टीम सेफर्ट जिनका यह 75वां मैच है सुपर स्मैश लीग में, 1612 रन इन्होंने बना लिया है। और फिलहाल सुपर स्मैश लीग में ये सुपर स्मैश लीग में ये 9वां मैच है, 9 मैचों में 202 रन इनके है और 33 का एवरेज है सुपर स्मैश लीग में, 150 रन बना चुका है और सबसे अधिक इन्होंने 88 रनों का पारी खेला है 116 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। चलिए सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं विकेट चाहिए, चलिए देखते हैं विकेट मिलता है। ऑली न्यूटन आए हैं गेंदबाजी के लिए, सुपर स्मैश लीग में 30वां मैच है, अब 35 विकेट इन्होंने निकाल चुका है। फिर से एक बार टीम सेफर्ट को सामना करेंगे, ओवर द विकेट गेंदबाजी करता हुआ मिडिल ऑफ द बैट खेल दिया है, गैप में खेल दिया है, कवर के बगल से बॉल 4 रनों के लिए, पहला चौका टीम सेफर्ट की बल्ले से आया है और इसी चौके के साथ स्कोर जो है यहां पर 8 run 1 wicket के नुकसान पे नॉर्थर्न ब्रेव्स का। आज मुझे लगता है कि यहां पर टीम सेफर्ट बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले हैं। आज टीम सेफर्ट की बल्ले से हमको लगता है कि 50 रनों का पारी देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई बने रहिए हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए। फिर से एक बार टीम सेफर्ट ऑली न्यूटन की स्वागत इन्होंने टीम सेफर ने चौके से किया, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है और यहां पर दौड़ चुके हैं और सिंगल लेते हुए यहां पर लेग बाई का इशारा अंपायर का, जी हां अंपायर का लेग बाई का इशारा। काफी बेहतरीन मैच होता हुआ भाई, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बनवारी तनवार हमारे साथ जुड़ चुका है, थैंक यू सो मच भाई। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल। क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर विन होगी, कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट जो है यहाँ पर बेहतरीन होता जा। फिलहाल मैदान पे बने हुए हैं टीम सेफर्ड और जीत रेवेल। जी हाँ मैदान पे बने हुए हैं टीम सेफर्ड और जीत रेवेल। तो भाई यहाँ पर जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीम सेफ यहाँ पर जीत रेवेल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जीत रेवेल को, जीत रेवेल ने इस बॉल को खेल दिया है इस बार थर्ड मैन की तरफ, चार रन की मिल जाना चाहिए भाई जी, नहीं यहाँ पर दो रन मिलेंगे और इसी दो रनों के साथ इस जीत रेवेल पहुँच चुके हैं चार रनों के स्कोर पर। जी हाँ चार रनों के स्कोर पर पहुँच चुके हैं, छः गेंदों का सामना किए हुए टीम सेफर्ड यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए चार रनों की स्कोर पे दो गेंदों का सामना किए हुए। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट। यहाँ पर नॉर्थन ब्रेव जीतेगा, प्रशांत जी कह रहे हैं नॉर्थन ब्रेव जीतेगा, मुझे यहाँ पर जुबेर खान जी कह रहे हैं नॉर्थन ब्रेव विन। जैब जी हाँ भाई चलिए देखते हैं 168 रनों का टारगेट है और इस बार ऑफ स्टंप के बॉल को खेल दिया है यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाज कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और सिंगल रोटेट करके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और यही होना चाहिए। और बहुत ही बड़ा विकेट है कटनी क्लार्क की जो आउट हो चुके हैं उसको, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा जो है समझबूझ के साथ खेलता हुआ टीम सेफर्ड फिलहाल सामना करेंगे ऑली न्यूटन की गेंदबाजी का। इस ओवर की आखिरी गेंद टीम से पार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, फुल टॉस बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया है इस बार पॉइंट की दिशा में मगर कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ। दो ओवर कंप्लीट हो चुके हैं नॉर्थन ब्रेव्स का स्कोर 14 रन एक विकेट के नुकसान पे। जी हां 14 रन बने हैं दो ओवर के बाद और एक विकेट के नुकसान पे। फिलहाल यहां पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम सेफर्ड चार रनों के तीन गेंदों का सामना किए हुए और यहाँ पर पांच सात गेंद खेल के पांच रनों के स्कोर पे जीत रेवेल। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार नाथान स्मिथ आए हैं जीत रेवेल को गेंदबाजी करने के लिए, जीत रिवेल जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाएं हाथ से राउंड देकर बॉल गेंदबाजी करता हुआ पैड पे लगा जोरदार अपील और यहां पर थोड़ी सी लीग स्टंप पे बाहर तरफ पिच हुई थी गेंद, डॉट बॉल का इशारा अंपायर का। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर, फुल लेंथ बॉल था जिसको ड्राइव करने के लिए गया था और लीग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी बोल के यहां पर बच गए हैं यहां पर जीत रिवेल। तो भाई 170 भाइयों ने लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीत रिवेल जो कि 8 गेंदों पे 5 रनों के स्कोर पे है, नॉर्थन ब्रेव्स को इस मैच में जीतने के लिए 107 गेंदों पे 154 रनों की जरूरत है और मैच काफी जोरदार हो जाएगा। नाथान स्मिथ बॉलिंग करता हुआ और यहां पर चौका, बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद में खराबी नहीं थी, फुल लेंथ बॉल था, बॉल को ड्राइव कर दिया है इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में और चार रन मिल गए और इसी चौके के साथ जीत रिवेल का यह पहला चौका था। जीत रिवेल पहुंच चुके हैं 9 रनों के स्कोर पे और नॉर्थन ब्रेव्स का स्कोर 18 रन एक विकेट के नुकसान पे बन चुका है। हुसैन आहमेद जी भाई यहाँ पर जरूर आपका बात मैं पढ़ लिया हूँ और आप थोड़ा सा संयम बरते और स्पैम मत कीजिए। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुका है, थैंक यू सो मच भाई प्रशांत जी। रिक्वायर्ड रन रेट अगर बात करें रिक्वायर्ड रन रेट की नॉर्थन ब्रेव को 8.49 की औसत से यहां पर रन बनाने होंगे। नाथान स्मिथ की अगली गेंद और यहां पर सिंगल लिया है जीत रिवेल ने, अच्छी गेंदबाजी यहां पर नाथान स्मिथ का, इस बार मिडिल स्टंप का बॉल था जिसको ट्राइप कर दिया था यहां पर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ सिंगल लेता हुआ। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि आगे आने वाले मैचेस की लाइव कमेंट्री आपको हमारी जरिए सुनने को मिल जाए। जॉबी जोसेफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जॉबी जोसेफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई, गुड मॉर्निंग भाई। जीत रिवेल कैसा बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है भाई, 550 रन है सबसे अधिक इन्होंने 70 रन का पारी खेला है सुपर स्मैश लीग में। इस बार सिम सेफर्ड कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बॉल को निकाल दिया है और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर 2 रन मिल जाएगा और इसी 2 रनों के साथ नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर जो है यहां पर 21 रन बन चुका है एक विकेट के नुकसान पे। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। भोपरा गुजर जी जुट कह रहे कौन जीतेगा भाई, भाई आज तो मुझे लगता है, मैंने पहले से ही कहा था कि नॉर्थर्न ब्रेव्स इस मैच में स्ट्रांग टीम है और काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप मौजूद है नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास। फिलहाल गेंदबाजी देखना होगा कि यहाँ पर जिस तरीके की नॉर्थर्न ब्रेव्स ने गेंदबाजी किया था और ताबड़तोड़ स्टार्ट होने पर भी, और इस बार बैट पर बैट का एज लिया था, बॉल चला गया डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, काफ़ी अच्छी गेंद यहाँ पर नाथन स्मिथ का, क्विकर डिलीवरी था जो कि यहाँ पर टीम सेफर्ड का बैट का एज लिया चला गया डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, सिंगल लेता हुआ, अच्छी गेंद थी ये। तो भाई यहाँ पर 170 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जी हाँ बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, 171 भाइयों ने लाइक कर दिया है। अंकित कुमार कमार जी जुड़ चुका है, टीम से बार आज 100 मारेगा मुझे भी लगता है भाई। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, कंधे की ऊंचाई पे बॉल था, बॉल चला गया सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। 3 ओवर की समाप्ति, नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 22 रन एक विकेट के नुकसान पे। नाथन स्मिथ ने 2 ओवर डाले हैं, 12 रन दिए हैं और सिर्फ एक विकेट मिला है। इस बार गिरिवर्धन नायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, और 175 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। बेन सेठ को लाए गए हैं गेंदबाजी के लिए, बेन सेठ की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करता है। रवि साव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, गुड मॉर्निंग भाई रवि साव जी। आज अमजाद आमिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भी। और इस बार टीम सेफर ने बॉल को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बेन सेठ का भी स्वागत है, टीम सेफर ने चौके से किया है और ये चौके के साथ नॉर्थर्न ब्रेव्स का इसको 26 रन एक विकेट के नुकसान पे। राजीव खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर विशाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। 177 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर टीम सेफर्ड 6 गेंदों पर 11 रनों के स्कोर पे, जीत रिवेल 11 गेंदों पर 10 रन बना के खेल रहे हैं। बेन सेठ फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए, इस बार बैट का एज लेके बॉल चला गया था पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ पॉइंट पे, बेहतरीन फील्डिंग। 179 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर 180 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। बिनसेट जो कि यहाँ पर पहला गेंद पे ओवर की पहली गेंद पे चौका खाने के बाद अच्छी कमबैक किया है इस गेंद पे, तो फिर से एक बार गेंदबाजी करते हैं विशाल चौधरी जी पर, यहाँ पर विकेट चाहिए। बेन सेठ फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, बॉल हाँ में हाँ, टीम सेफर्ड यहाँ पर छक्का लगाता हुआ, बेहतरीन शॉट टीम सेफर्ड का, बॉल को खेल दिया था यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बहुत ही बड़े छक्का यहाँ पर, और इसी छक्के के साथ टीम सेफर्ड 17 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर जो है 32 रन एक विकेट के नुकसान पर बन चुका है। नॉर्थर्न ब्रेव्स को ताबड़तोड़ अंदाज में स्टार्टिंग देने का कोशिश किया है टीम सेफर्ड, और इसी तरीके से भाई यहाँ पर हमें लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर 8.24 का हो चुका है,
क्या लगता है भाई कौन सी टीम आज यहाँ पर जीतेगी? ऐसे तो मुझे लगता है कि नॉर्थर्न ब्रेव्स के साथ हमारे 65% भाई बने हुए हैं, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से 65% भाई का कहना है कि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत सकता है। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक 181 भाइयों ने लाइक कर दिया है। क्या लगता है भाई यहाँ पर जो यहाँ पर फिर से एक बार छक्का, टीम सेफर्ड लेंथ बॉल और इसको बैकफुट में जाके पुल करने की कोशिश में बॉल को खेल दिया है स्ट्रेट बॉलर के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत ही उम्दा शॉट टीम सेफर्ड का। ये इस ओवर का दूसरा छक्का था टीम सेफर्ड द्वारा और इसी छक्के के साथ नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 3 ओवर 5 गेंदों के बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम सेफर्ड पहुंच चुके हैं 23 रनों के स्कोर पे। कमाल की स्टार्ट देता हुआ यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव को टीम सेफर्ड, टीम सेफर्ड यहां पर 10 गेंदों पे 23 रनों के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। आज भाई आग उगल रहे हैं यहां पर टीम सेफर्ड, मैंने पहली गेंद को खेलते हुए देखा था टीम सेफर्ड को, तभी मैंने बता दिया था कि आज टीम सेफर्ड की बल्ले से कम 50 रन की पारी देखने के लिए मिल जाएगा। अब तक इस ओवर में भाई 16 रन आ चुके हैं, बेन सेठ काफी महंगे होते हुए इस ओवर में, अब तक ये इनका बेन सेठ का ये पहला ओवर था जिसमें 16 रन आ चुके हैं। तो भाई लाइक जरूर करें और 181 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर हमें लाइक जरूर कर सकते हैं। आखिरी गेंद थे इस बार ऑफ स्टंप पे आए, बॉल को खेल दिया विकेट कीपर के पीछे से 1 बाउंस 4 रनों के लिए, आखिरी बॉल पे टीम सेफर्ड ने चौका लगा दिया है और इस ओवर में 20 रन आए हैं और स्कोर हो चुका है नॉर्थर्न ब्रेव्स का 4 ओवर के बाद 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टीम सेफर्ड यहां पर 11 गेंदों पे 27 रनों के स्कोर पे पहुंच चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई लाइक जरूर करें, 183 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ भाई यहां पर 183 भाइयों ने लाइक कर दिया है तो आप भी यहां पर लाइक करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिन यहां पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल इस मैच में जीतने के लिए नॉर्थर्न ब्रेव्स को अभी भी 126 रनों की जरूरत है 96 गेंदों पे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, 185 भाइयों ने यहां पर हमें लाइक कर दिया है। जी हाँ 185 भाइयों ने यहां पर हमें लाइक कर दिया है। पावर प्ले का और 2 ओवर बाकी है तो देखना होगा, वैन बिक आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे जीत रिवेल, बाएं हाथ के खिलाड़ी को दाहिने हाथ से राउंड देकर बॉल करता हुआ इस बार हाँ में खेल दिया है बॉल को, फील्डर मौजूद है और विकेट, जीत रिवेल यहां पर बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से निकालने की कोशिश और यहां पर फंस गए, वैन बिक आते ही विकेट निकाल लिया है, बहुत बड़ा विकेट जीत रिवेल का, नाथन स्मिथ ने कैच लिया है और इसी के साथ नॉर्थर्न ब्रेव्स का दूसरा विकेट भी गिर चुका है, 42 पे 2 हो चुके हैं 4 ओवर 1 गेंदों के बाद। तो भाई हमारे साथ जितने भी यहाँ भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट। ग्रैंड होम, जी हाँ ग्रैंड होम आए हैं बल्लेबाजी के लिए, कॉलिन डी ग्रैंड होम सुपर स्मैश लीग में ये इनका 99वां मैच है और 1884 रन बना चुके हैं 27 के एवरेज से, दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं टीम सेफर्ड और कॉलिन डी ग्रैंड होम, और अगर इन दोनों के बीच अच्छे साझेदारी बन जाती है तो नॉर्थर्न ब्रेव्स यहां पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। गया हाँ जी भाई देवेन मिल जी, तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। बेहतरीन मैच होता हुआ बेन विक का ये विकेट शायद मुझे लगता है कि नॉर्थर्न ब्रेव्स की रन की गति जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 188 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, विशाल चौधरी जी टीम विकेट, भाई यहाँ पर टीम सेफर्ड जिस तरीके से मिडिल ऑफ द बैट खेल रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि लंबे समय तक बैटिंग करने वाले हैं टीम सेफर्ड, मुझे लगता है टीम सेफर्ड कम से कम 50 रन यहाँ पर पूरे करने वाले हैं। न
नमस्ते सर, मुकेश यहाँ पर मारा जी मेधा जी, मुकेश मेधा जी हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। इसी तरह भाई हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 190 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है। इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। टीम सेफर्ड यहाँ पर 12 गेंदों पे 27 रनों की स्कोर पे है। और हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई, यहाँ पर 190 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं भाई। का आउट करना जरूरत है भाई, देवेन मिली जी, देखते हैं कॉल इंडी ग्रैंड होम अच्छे फॉर्म में है और काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है बैटिंग में, सुपर स्मैश लीग में इनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया है फिलहाल। और इस बार ऑफ स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को रूम बना के बॉल को खेल दिया है, इस बार कवर की दिशा में सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ ग्रैंड होम ने अपना खाता भी खोल लिया है। तो चलिए देखते हैं, हमारे साथ सुमित गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं भाई, दो विकेट तो गिर चुका है भाई सुमित गुप्ता जी, आपको फिलहाल और एक विकेट चाहिए शायद। तो भाई 192 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई, 200 लाइक से सिर्फ और सिर्फ 8 लाइक दूर है। जी हाँ, 200 लाइक से भाई सिर्फ 8 लाइक दूर है। फिलहाल कॉल इंडी ग्रैंड होम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का वैन विक। ओहो, काफी बेहतरीन गेंद इस बार, थोड़ा सा परेशान किया इस गेंद पे कॉल इंडी ग्रैंड होम को। इससे पहले कौन आउट हुआ, जीत रिवेल भाई, इससे पहले अमन कुमार जी, जीत रिवेल आउट हुए और जीवित रिवेल का विकेट लिया था वैन विक ने, अपनी ओवर की पहली गेंद पे जीत रिवेल को आउट किया था। तो भाई हमारे साथ बने रहिए इस ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे कॉल इंडी ग्रैंड होम, अंडर 10 रन कॉल इंडी ग्रैंड होम आउट होगा अभी। चलिए देखते हैं भाई, बने रहिए। और मगर यहाँ पर सिंगल 2 रन ले चुके हैं और इसी 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 46 रन नॉर्थर्न ब्रेव्स का, 2 विकेट का नुकसान पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ 192 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, जी हाँ पावर प्ले का आखिरी ओवर है और जी हाँ नॉर्थर्न ब्रेव को अभी भी 122 रनों की जरूरत है 90 गेंदों पे। के जीत बे भाई, हमीदूर भाई के जीत बे बोला मुश्किल, एखे नॉर्थर्न ब्रेव को एखो जेतार जो 122 रन दरकार 90 बोले। तो भाई 193 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच भाई। अमन कुमार जी, कौन जीतेगा भाई यहाँ पर, जीतेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव को 122 रनों की ज़रूरत है। जिमी निशामा है गेंदबाजी करने के लिए, 61 सुपर स्मैश में अब तक 61 विकेट निकाल चुका है। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ टीम सेफर्ड को, टीम सेफर्ड ने इस बार बॉल को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर टीम सेफर्ड का। और इसी चौके के साथ टीम सेफर्ड 14 गेंदों पर 32 रनों के स्कोर पर, जी हाँ 14 गेंदों का सामना किए 32 रनों के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर नए बैट्समैन आए हैं ग्रैंड होम, जी हाँ नए बैट्समैन आए हैं ग्रैंड होम। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर कैच आउट हो चुके हैं ग्रैंड होम और जिन्होंने कहा था डेविड मिलर, जी हाँ टीम सेफर्ड नहीं भाई, टीम सेफर्ड ही आउट हो चुके हैं 32 रन बना के। नाथन स्मिथ ने यहाँ पर कैच लिया, टीम सेफर्ड यहाँ पर 32 रन बना के आउट हो चुके हैं 15 गेंदों पे। और फिर से एक बार नए बैट्समैन सटनार आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नॉर्थर्न ब्रेव को अभी भी 118 रनों की ज़रूरत है 88 गेंदों पे। मिचेल सटनार की बात करते हैं तो 27 मैचों में 379 रन इनके खाते में है, 23 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं।
अब तक एक भी 50 रन को किए नहीं है सुपर स्मैश लीग में, 45 सुपर स्मैश लीग में सबसे बेस्ट हाइस्ट स्कोर है यहाँ पर मिचेल स्टेनर का। नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 50-3 हो चुका है भाई, 5 ओवर 2 गेंदों के बाद। और देखना होगा मैदान पे है कॉलिन डी ग्रैंडहोम और सैंटना, आपको क्या लगता है जिमी नी सामने आते ही विकेट निकाल लिया है, वो भी बड़ा विकेट है टीम सेफर्ड का। जिमी अभी 1 विकेट मोर, चलिए देवन मिला जी जो कि जो कह रहे हैं वही सही हो रहा है। और यहाँ पर 195 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पर अब भी सपोर्ट कर सकते हैं, आज बेस्ट होगा सेंटनर का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मुझे भी लगता है कि आज सेंटनर का बेस्ट हो सकता है। 196 भाइयों ने लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। और सिर्फ 4 लाइक दूर है यहाँ पर 200 लाइक पूरे होने में, तो जल्दी से जल्दी भाई 200 लाइक पूरे करते। आज शानदार परफॉर्मेंस किया है वेलिंगटन ने, जिस तरीके से गेंदबाजी किया है, और तीसरा विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है नॉर्थर्न ब्रेव्स का। और मैंने कहा था कि यह मैच आखिर तक जाएगा, और फिलहाल जिमी नी साहब गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे सेंटनर। इस ओवर की चौथी गेंद, जुबेर रन जीतेगा ही जीतेगा, चलिए देखते हैं जुबेर जी। मुझे भी लगता है कि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के पास वो का खासियत बल्लेबाज क्रम मौजूद है, फिलहाल खेलना पड़ेगा, अगर जीतना होगा तो यहाँ पर खेलना पड़ेगा। देखिए भाई 198 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है। जिमी निसाम यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिमी निसाम जैसे गेंदबाज आज बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए, तो गेंदबाजी में यहाँ पर आते ही विकेट निकाल लिया है। जी हाँ भाई, यहाँ पर थैंक यू सो मच भाई यहाँ पर 200 लाइक पूरे करने के लिए। जी हाँ, मोहम्मद साइम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद साइम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तम राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। अमन कुमार जी कह रहा है कि मैं नॉर्थर्न ब्रेव जीतेगा, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव अच्छा खेलेगा तो ज़रूर जीतेगा भाई। काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाला है, और मैच जो है आखिरी बॉल तक जाएगा। हमीदुर जी वेलिंगटन जीतबे भाई, चलिए चलून भाई हमीदुर जी, हमें देखी एखने हमीदुर जी को बोल जे वेलिंगटन जीतबे, मतलब जीतेगा वेलिंगटन ही जीतेगा कह रहा है हमीदुर जी। तो भाई यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार हाँ में खेल दिया है बॉल को, बॉल चला गया डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस 4 4 जी हाँ चौके के लिए, और ये चौका सेंटनर लगाया है, और सेंटनर ने ये चौके के साथ अपना खाता भी खोल लिया है। नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 6 ओवर पावर प्ले खत्म होने के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पे बने हैं, और यहाँ पर भाई ने हमें 200 लाइक तक पहुँचा दिया है, थैंक यू सो मच भाई 200 लाइक तक पहुंचाने के लिए। टारगेट है 168 रनों का, फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर 113 रनों की जरूरत है 84 गेंदों पे 113 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है भाई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शुरुआती पावर प्ले जो है यहाँ पर बेहतरीन हुआ है वेलिंगटन के लिए, खास करके वेलिंगटन ने 3 विकेट निकाल लिया है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स का। 3 ताबड़तोड़ विकेट, टीम सेफर्ड आउट हो चुके हैं, जीत रिवेल आउट हो चुके हैं, और कटनी क्लार्क भी आउट हो चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सभी को बोलना है भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैन विक आए हैं अपना दूसरा ओवर डालने के लिए, और पहली गेंद यहां पर वाइड से शुरुआत किया है। स्कोर नॉर्थर्न ब्रेव्स का 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे भाई। वेलिंगटन का जीतने का चांस
कितना है। देवेन मिली जी यहाँ पर आपको बता दे वेलिंगटन का चांस जो है यहाँ पर 50% बना हुआ है। यहाँ पर ग्रैंड होम हवा में खेल दिया है डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। वैन विक की दूसरे ओवर की दूसरी गेंद और ग्रैंड होम ने इसको खेल दिया है 6 रनों के लिए। पहला गेंद वाइड था और ये पहला ही गेंद था और यहाँ पर छक्का लगा दिया है ग्रैंड होम ने और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है 62 रन 6 विकेट 3 विकेट के नुकसान पे। देवेन मिली जी आपको बता दे अगर नॉर्थन यहाँ पर विलिंगटन को जीतना हो तो ग्रैंड होम को जल्द से जल्द पेविलियन का रास्ता दिखाना पड़ेगा यहाँ पर वेलिंगटन को। अगर ग्रैंड होम यहाँ पर रह गए तो यहाँ पर नॉर्थन ब्रेव्स आसानी से जीत हासिल कर लेगा क्योंकि ग्रैंड होम अच्छी फॉर्म में है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ पर ग्रैंड होम कम से कम 12 ओवर तक रह गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकते हैं। फिर से एक बार चौका लगाया है ग्रैंड होम ने मिड ऑन के ऊपर से, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे और यहाँ पर चौका के साथ ग्रैंड होम 6 गेंदों पे 14 रनों के स्कोर पे। जी हाँ भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें। यहाँ पर हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। ग्रैंड होम यहाँ पर 6 गेंदों पे 14 रनों के स्कोर पे। फिलहाल नॉर्थन ब्रेव्स को 102 रनों की जरूरत है 82 गेंदों पे। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ पटकी हुई गेंद थी, बॉल को लेग स्टंप पे तरफ किया था और यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच ग्रैंड होम एंड सेंटनर के बीच। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाई तुम लोग को पहले देखा जाता है कि विकेट गया है 6 लगा रहा पर आप बाद में कमेंट्री करते हो। भाई 6 तो लगा चुका है, तो भाई यहाँ पर सेंटनर जो कि चौके से अपना खाता खोला है और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पर लाइक जरूर करना पड़ेगा भाई, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हमारी जो मोटिवेशन हो वो बना रहे। थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ बने रहने के लिए। आएगा 6, चलिए देखते हैं। ये 5वां ओवर हो चुका है, 5 गेंदे हो चुके हैं। मिचेल सेंटनर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। वैन विक फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए और फिर से एक बार डॉट बॉल होता हुआ। सेंटनर ने इस बॉल को खेल दिया था मिड ऑफ के तरफ मगर कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। अभी भी फिलहाल 78 गेंदों पे 101 रनों की जरूरत है, 101 रनों की जरूरत है। यहाँ पर 7 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्थन ब्रेव्स का स्कोर 67 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नॉर्थन ब्रेव्स को अभी भी 78 गेंदों पे 101 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 7.75 का है। डी ग्रैंड होम विकेट, चलिए देखते हैं भाई विकेट ले लो अभी, चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है भाई। और बेन सेन ने ओवर की शुरुआत किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, डॉट बॉल होता हुआ। यहाँ पर नॉर्थन ब्रेव की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ग्रैंड होम बॉल को खेल दिया था मिड ऑफ के तरफ मगर यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। राजीव खान जी नसीम कितने विकेट लेगा भाई, यहाँ पर तो पहला विकेट तो उन्होंने ले लिया है निसाम ने, जिमी निसाम ने पहला विकेट ले लिया है, अब देखना होगा कि कितने विकेट लेते हैं।
फिलहाल 8वें ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे कॉलिन डी ग्रैंडहोम 8 गेंदों पे 15 रनों के स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर की दूसरी गेंद कौन जीतेगा भाई? राहुल कुमार जी भाई यहाँ पर मैच कांटे की टक्कर होने वाला है और आखिरी ओवर तक मैच जाएगा। तो यहाँ पर बोलना मुश्किल है, इस बार बॉल को खेल दिया था यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ। फिर से एक बार सिंगल लेता हुआ कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी शॉट जब नहीं लग रहे हैं तो सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करते रहें ताकि दबाव जो है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर आने वाले खिलाड़ियों के ऊपर ना बने। 76 गेंदों पर 100 रन की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। यहाँ पर 203 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। रॉयल आयन खान जी कह रहे भाई कौन जीतेगा? भाई जीतेगा यहाँ पर दोनों ही बल, यहाँ पर तो अभी फिलहाल जो है मैदान पे जिस तरीके की मैच चल रहा है उस तरीके से देखा जाए तो वेलिंगटन थोड़ा सा दबाव बना के रखा है नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर। फिलहाल मैच बदलने में टाइम नहीं लगता है, 75 गेंदों पे 99 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। अगर यहाँ पर वेलिंगटन को मैच जीतना है तो मुझे लगता है कॉलिन डी ग्रैंडहोम को जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा और उसी कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ पर वेलिंगटन का कप्तान ब्रेसवेल। मुझे लगता है कि ब्रेसवेल को गेंदबाजी करने आने चाहिए क्योंकि कॉलिन डी ग्रैंडहोम यहाँ पर विकेट, जी हाँ बहुत ही बढ़िया शॉट, मैंने कह ही था कि यहाँ पर ग्रैंडहोम को आउट करना चाहिए था और इस बार पॉइंट की तरफ खेला था जहां पर वैन विक फील्डिंग कर रहे थे और वैन विक ने कोई गलती नहीं किया है कैच लेने में। ग्रैंडहोम 16 रनों के स्कोर पे आउट होता हुआ। इस बार थोड़ी सी हाथ खोलने का मौका मिला था, पॉइंट के ऊपर से निकालने की कोशिश था बॉल को, मगर कैच ले लिया है वैन विक ने और इसी के साथ कॉलिन डी ग्रैंडहोम 10 गेंदों पे 16 रन बना के आउट होते, चौथा विकेट। अब जो है वेलिंगटन जो है मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर वेलिंगटन जो है पूरी तरीके से हावी हो चुका है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिए। कॉलिन डी ग्रैंडहोम आउट होने के बाद यहाँ पर काफी खुश होंगे कप्तान ब्रेसवेल। जी हाँ, कप्तान ब्रेसवेल काफी खुश होंगे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बड़ा लाइक जरूर करें। देखना होगा कि अगला बैट्समैन कौन है, हैंडी कॉपर आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए। जी हाँ, हैंडी कॉपर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 14 मैचों में सुपर स्मैश लीग में 15 की औसत से 139 रन है, 25 इनका बेस्ट हाईएस्ट स्कोर जो है 25 रन है। भाई भी मैं भी बोला ना 8वें ओवर में विकेट है। जी हाँ भाई देवेंद्र मिली जी, आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलिन डी ग्रैंडहोम आउट होने के बाद मुझे लगता है कि वेलिंगटन जो है पूरी तरीके से दबाव बना दिया है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर। 205 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर नागेंद्र कुमार जी कह रहा है कि अब फिलहाल जो यहाँ पर वेलिंगटन का चांस जो है अब बढ़ चुका है, 60% चांस जो है वेलिंगटन का बन चुका है, 60% चांस जो है वेलिंगटन का बन चुका है। धीरे धीरे यहाँ पर चांसेस बढ़ता हुआ वेलिंगटन का। बिन सेठ इस ओवर की आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पे यहाँ पर छक्का लगा दिया है हैंडी कॉपर ने, बॉल को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है और यहाँ पर 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव्स को 72 गेंदों पे 93 रनों की जरूरत है। हैंडी कॉपर ने छक्के के साथ अपना खाता भी खोल लिया है। अभी मैच बराबर है भाई। अब कौन मैच जीतवा सकता है नॉर्थर्न ब्रेव को? अब मैच जीता सकता है मिचेल स्टेनर और हैंनरी कॉपर, इन दोनों के बीच अगर अच्छी साझेदारी बनती है तो यहाँ पर मैच काफी जीता सकता है। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई लाइक करें, लाइक के साथ साथ चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ
जी हाँ, बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है भाई। रविंद्र सुपर स्मैश लीग में इन्होंने 21 विकेट निकाल चुके हैं। रविंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 32 गेंद पे 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं, हाईएस्ट बेस्ट सुपर स्मैश लीग में सबसे ज्यादा इन्होंने 32 रन देके 3 विकेट। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ इस बार फ्रंट फुट में बॉल को खेल दिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहाँ पर सिंगल लेता हुआ हेनरी कॉपर और इसी के साथ स्कोर जो है यहाँ पर बन चुका है 76 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हेनरी कॉपर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। कितने लोग एनटीपीसी में फेल हुए भाई, यहाँ पर ऐसा मत बोलिए भाई, सब कोई पास हुए। न्यूटन से बॉल करानी चाहिए भाई, ओली न्यूटन काफ़ी महंगे रहे और पहला ओवर किया था ओली न्यूटन ने, पहली ओवर में 9 रन दिए थे और उसके बाद मुझे लगता है कि अब फिलहाल जो है लाया जा सकता है। अब तक यहाँ पर वेलिंगटन ने 6 गेंदबाज को यूज़ किया है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई बने हुए हैं सभी को बोलूँगा लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें। फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है मिड ऑफ के तरफ, मिड ऑफ जो है काफ़ी दूर खड़े हैं और यहाँ पर एक रन मिल जाएगा हेनरी कॉपर, यहाँ पर हेनरी कॉपर को और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 8 ओवर 3 गेंदों के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान पे बने हैं। रविंद्र यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस ओवर की 5वीं गेंद और इस बार बैकफुट में गए, बॉल को खेल दिया है कवर के बगल से यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल लेते हुए भाई दोनों ही बल्लेबाज अब यहाँ पर सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। जानते हैं सिंगल लेते रहेंगे तो जो आगे आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर दबाव कम बनेगा और 67 गेंदों पर अभी भी नॉर्थर्न ब्रेव्स को 90 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर आगे निकल के बॉल को खेल दिया है हेनरी कॉपर ने 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट हेनरी कॉपर का, बेहतरीन शॉट हेनरी कॉपर का। रविचंद्रन अश्विन की फ्लाइटेड गेंद थी जिसको थोड़ी सी स्टेप आउट करके रूम बना के खेल दिया है यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत ही उमदा शॉट यहाँ पर और इसी छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स का 84 रन बन चुका है, फिलहाल 84 रनों की जरूरत है यहाँ पर मैच को जीतने के लिए नॉर्थर्न ब्रेव्स को 66 गेंदों पे। अब थोड़ा सा जो है इस छक्के के बाद मुझे लगता है कि मैच जो है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ बढ़ रहा है, दोनों ही बल्लेबाज अपने ऊपर दबाव नहीं आने दे रहे हैं और इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना के खेल रहे हैं, हर एक ओवर में एक चौका और एक छक्का जरूर लगा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर 211 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है। तो ब्रेसवेल, मिचेल ब्रेसवेल, इनके पास भाई काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मौजूद है, 99वां मैच है, अब तक 19 विकेट ले चुके हैं, 28 रन देके 4 विकेट इनका सबसे हाईएस्ट सुपर स्मैश लीग में है। टीम सेफर्ड होता तो ज़्यादा चांस बनता। जी हाँ भाई नागेंद्र कुमार जी, फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए यहाँ पर मौके बनाते हुए हेनरी कॉपर 5 गेंदों पे 13 रनों की स्कोर पे, मिचेल स्टेनर 10 गेंदों पे 7 रन बना के खेल रहे हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी ब्रेसवेल का, इस ओवर की दूसरी गेंद, जी हाँ इस ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे यहाँ पर। तो भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल बॉल को खेल दिया है यहाँ पर 4 रनों के लिए, मिड ऑफ के ऊपर से कोई फील्डर मौजूद नहीं है, दोनों फील्डर के बीच में से 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है नॉर्थर्न ब्रेव्स का 88 रन बन चुका है। तो भाई 84 यहाँ पर 64 गेंदों पे 80 रनों की स्कोर की ज़रूरत है, यहाँ पर 64 गेंदों पे 80 रनों की ज़रूरत है फिलहाल इस मैच में जीत हासिल करने के लिए नॉर्थर्न ब्रेव्स को। एमपी से है भाई, थैंक यू सो मच 420 मुंबई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स का चांस जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ, नॉर्थर्न ब्रेव्स का चांस जो है यहाँ पर मैच काफ़ी रोचक हो जा रहा है और थोड़ी सी स्टेप आउट करके बॉल को खेलने की कोशिश मगर इस बार कोई रन नहीं, डॉट बॉल होता हुआ नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए चांस यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ चुका है और अब जो है मैच जो है 55-45 हो चुका है।
इस बार ऑफ स्टंप पे था और कट कर दिया है बॉल को, बैकफुट में जाके बॉल को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर भाग गए यहाँ पर, जब तक थ्रो करे तब तक यहाँ पर दो रन लेते हुए सैंटाना। तो रन की गति जो है वो कम नहीं हो रही है और कारेन रनरेट जो है 9.31 का है। जी हाँ, कारेन रनरेट जो है 9.31 का बन चुका है। फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव्स जो है 90 बना लिया है 4 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पर मिचेल स्टेनर 13 रनों के स्कोर पे और हेनरी कॉपर 13 रन बना के खेल रहे हैं। राज भाई मुश्किल लग रहा है भाई, राज भाई जी, राज कौन जी भाई, यहाँ पर हमारे साथ वेलिंगटन जीतेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वेलिंगटन के लिए थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी लगता है। सुमित गुप्ता जी, यहाँ पर 211 भाई ने हमने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल 182 भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 60 गेंदों पे 78 रनों की ज़रूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को। भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करें। लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अगला गेंदबाज देखना होगा कि कौन आते हैं। रविंद्र अपना दूसरा ओवर करेंगे और सामना करेंगे हेनरी कॉपर, और इस बार बैक टका एजिली विकेट कीपर के पीछे से चला गया थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर मौजूद थे मगर एक रन यहां पर लेता हुआ हेनरी कॉपर, और इसी एक रनों के साथ स्कोर जो है 10 ओवर एक गेंद के बाद 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे बने हैं। यहाँ पर 212 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं भाई। फिलहाल रविंद्र बाएं हाथ से खिलाड़ी को बाएं हाथ से, और इस बार वो बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सैंटनर ने यहाँ पर चौका लगा के पहुंचा दिया है नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर को 95 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल 58 गेंदों पे 73 रनों की जरूरत है। रन की गति यहाँ पर बढ़ाता हुआ, रन की गति कम नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पर मिचेल स्टेनर एंड मिचेल सैंटनर एंड यहाँ पर हैंडी कॉपर। इस बार थोड़ी सी कैच था, ड्रॉप हुआ है, बॉल चला गया है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर ने मिसफील्ड किया है, कैच ड्रॉप हुआ है और सैंटनर लगातार बैक टू बैक चौका लगाता हुआ 10 ओवर 3 गेंदों के बाद 99 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ आपको बता दें कि थोड़ा सा टफ कैच था जो कि यहाँ पर छोड़ा है, और इसी के साथ स्कोर जो है 99 रन, और अभी भी नॉर्थर्न ब्रेव्स को यहाँ पर 69 रनों की ज़रूरत है 57 गेंदों पे। और आज मिचेल स्टेनर कमाल की पारी खेलता हुआ 19 गेंदों पे 21 रनों के स्कोर पे है। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा भाई, 214 भाइयों ने हमें लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें। जीवन का कहाँ से है भाई, भाई मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। इस बार हाँ में खेल दिया है, घुमा दिया है बॉल को डीप स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए मैक्सिमम हिट यहाँ पर सैंटनर का, और इसी छक्के के साथ स्कोर नॉर्थर्न ब्रेव्स का 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। फिलहाल 55 गेंदों पे 63 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। और हमारे 216 भाइयों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल सैंटनर कमाल की पारी खेलता हुआ रविंद्र का ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। जी हाँ, अब तक इस ओवर में इन्होंने 15 रन दे चुके हैं। जी हाँ, 11 ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे। नॉर्थर्न ब्रेव्स को अभी भी 54 गेंदों पे 63 रनों की जरूरत है, 63 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। राज भाई अब आप क्या गया भाई, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई, काफी कमाल का मैच होता हुआ। नॉर्थर्न ब्रेव्स अब इस मैच में पकड़ बनाता हुआ, सैंटनर और कॉपर दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया साझेदारी 40 रनों की बन चुका है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर चौका फिर से लगातार, ऐसे ही अगर गेंदबाजी करते रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वेलिंगटन को। जिस तरीके की दबाव बनाया था यहाँ पर वेलिंगटन ने,
नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर उस दबाव को बरकरार नहीं रख पाए और लगातार यहाँ पर गेंद खराब गेंदबाजी करते रहे, जहाँ पर बैट्समैन को मौके दिए बड़ा शॉट खेलने का। और यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जो है धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी से मैं 107 सही है। चलिए जीवन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जीवन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंटनर जो कि अभी खतरनाक मूड में है, 21 गेंदों पे 27 रनों के स्कोर पे सामना करेंगे ब्रेसवेल की गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल आता हुआ इस बार बागपुर में गए, बॉल का खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहाँ पर सिंगल मिलेगा। और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे 11 ओवर 3 गेंदों के बाद 111 रन बन चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। 51 गेंदों पे अभी भी नॉर्थर्न ब्रेव्स को 57 रनों की जरूरत है। क्या ये दोनों की साझेदारी नॉर्थर्न ब्रेव्स को जीत दिला पाएगा? कमेंट जरूर करें। बीपीएल फिक्स भाई बने रहिएगा। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट हेनरी कॉपर का, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है शॉट को, एक रन मिल जाएगा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, राज चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 15 रन और बना दे सेंटनर, तो मैं तो चलिए देखते हैं भाई सेंटनर जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेले, इस बार थोड़ी सी आगे निकल के आए हैं, हाँ में खेल दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट सेंटनर का बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ 11 ओवर 5 गेंदों के बाद 118 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाया है नॉर्थर्न ब्रेव्स। 49 गेंदों पे 50 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। हो सकता है भाई, जी हाँ भाई जरूर हो सकता है। फिलहाल 6 रन लगा दिया है और यहाँ पर सिंगल भी लेकर लिया है। और इसी सिंगल के साथ और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर हेनरी कॉपर 20 रनों के स्कोर पे और मिचेल सेंटनर जो कि यहाँ पर 35 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं। फिर से हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। विकी कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, मिंटू हसान जी जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। लाइक ज़रूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें। 12 ओवर हो चुके हैं, 12 ओवर के बाद यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 119 रन 4 विकेट के नुकसान पे बने हैं। हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, यहाँ पर 218 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक हमें कर सकते हैं। पलाशाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, मोहम्मद पलाशाली जी भाई जुड़ चुके हैं, अमर महारंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिंटन मंडल जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई लिंटन मंडल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरह भाई जुड़े रहिए, अगला गेंदबाज देखना होगा कि कौन आए हैं। ब्रेसवेल ने 2 ओवर डाले हैं, 20 रन दिए हैं। फिर से एक बार यंग हस्बैंड को बहुत लेट लाया गया है, यंग हस्बैंड 17 विकेट सुपर स्मैश लीग में ले चुके हैं अब तक फिलहाल। और यहाँ पर पहली गेंद अच्छी बैकफुट में जाने से मजबूर किया है यहाँ पर सेंटनर को और डॉट बॉल होता हुआ। इस्लामिक चैनल जी हमारे साथ जुड़ चुका है, थैंक यू सो मच भाई। झंटू दास जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नॉलेज टीवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सब। और इस बार सेंटनर ने घुमा दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। जी हाँ, बेहतरीन शॉट सेंटनर का। और इसी के साथ सेंटनर जो है 39 रनों के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल नॉर्थर्न ब्रेव्स को अभी भी यहाँ पर 45 रनों की जरूरत है 46 गेंदों पे। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सेंटनर ने आज कमाल की पारी खेला है, सेंटनर ने यहाँ पर 40 रन बना लिया है और स्कोर जो है यहाँ पर 12 ओवर 3 गेंदों के बाद 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सेंटनर यू आर अमेजिंग, जी हाँ भाई लियोन जी सेंटनर ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर सभी दोस्तों को बोलूँगा भाई, यहाँ पर 221 भाइयों ने लाइक किया है। फिर से एक बार ब्रेस यहाँ पर यंग हस्बैंड राइट आर्म ओवर द विकेट घुमाती हुई गेंद, लेग स्टंप पे पिच हुई थी, बॉल को खेल दिया है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर काफ़ी दूर खड़े थे और यहाँ पर सिंगल लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है हेनरी कॉपर को। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूँगा लाइक जरूर करें, 221 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर जल्द से जल्द लाइक करें। फिर से एक बार यंग हस्बैंड गेंदबाजी करते हुए, तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर करिए। और यहाँ पर यंग हस्बैंड के हाथ में लगा था नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे हेनरी कॉपर, यंग हस्बैंड के हाथ पे लग के नॉन स्ट्राइक का स्ट्राइक एंड पे विकेट पे लगा और यहाँ पर मुझे लगता है हेनरी कॉपर बाहर निकल गए थे,
तो यहाँ पर नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े खड़े हेनरी कॉपर शायद आउट हो चुके हैं, रन आउट को चेक किया जा रहा है फिलहाल। और काफी खराब किस्मत यहाँ पर हेनरी कॉपर का, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहते हुए हेनरी कॉपर मुझे लगता है यहाँ पर आउट हो चुके हैं। पांचवा विकेट गिर चुका है नॉर्थर्न ब्रेव्स का, फिलहाल आउट को चेक किया जा रहा है, नॉट आउट। चलिए देखते हैं, नॉट आउट होना चाहिए भाई, कौन भाई यहाँ पर हेनरी कॉपर, अगर आउट होंगे तो शायद हेनरी कॉपर, मुझे लगता है कि यह आउट है, मुझे लगता है कि यह आउट है। बैट जो था वो हवा में था और ये बॉल यंग हस्बैंड की हाथ में टकराई थी। अब देखना होगा कि यह आउट है, मुझे लगता है भाई। राजमंडल जी कह रहे हैं भाई यहाँ पर आउट होने वाले खिलाड़ी, अगर यहाँ पर डिसीजन क्या आता है आउट, जी हाँ यह पर डिसीजन आउट हो चुका है और आउट होने वाले खिलाड़ी है हेनरी कॉपर। हेनरी कॉपर 21 रन बना के, अनफॉर्चुनेटली खराब किस्मत यहाँ पर हेनरी कॉपर का, 21 रन बना के आउट हो चुके हैं। और तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई, यहाँ पर 222 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही अमेजिंग मैच होता हुआ फिर से एक बार मैच पलट सकता है क्या इस विकेट के बाद, क्योंकि एक समय था जबकि वेलिंगटन ने पूरी तरीके से नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर दबाव बना लिया था और फिर से दोबारा वापसी करते हुए नॉर्थर्न ब्रेव्स ने दबाव बना लिया है। अनुराग वर्मा 125 रन इन्होंने अब तक सुपर स्मैश लीग में बनाए हैं और 22 इनका सबसे अधिक स्कोर है। मज़ा आ गया भाई, सचमुच यहाँ पर मज़ा आ गया भाई, जी हाँ भाई सचमुच यहाँ पर मज़ा आ गया है। दो रन सेंटनर प्लीज, चलिए भाई यहाँ पर दो रन जरूर बना लेगा सेंटनर, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए अनुराग वर्मा और यहाँ पर सेंटनर नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े रहेंगे अनुराग वर्मा। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह भाई हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जी हाँ बेहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अनुराग यहाँ पर सेंटनर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, और यहाँ पर सिंगल लिया है आखिरी गेंद पे, और इसी सिंगल के साथ यहाँ पर 13 ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 126 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स को जीतना है मैच तो कम से कम सेंटनर को इसमें आखिरी ओवर तक खेलना पड़ेगा। 13 ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 126 रन 5 विकेट के नुकसान पे, फिलहाल 42 गेंदों पे 42 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुका है भाई, थैंक यू सो मच। सुधीर कुमार जी कैन विल विन भाई, यहाँ पर ज्यादा चांस तो नॉर्थर्न ब्रेव का ही लगता है। आज यहाँ पर अंशु वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, यहाँ पर अब जो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलो भाई, यहाँ पर 225 भाइयों ने लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, जी हाँ भाई। देखते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द भाई कितने भाई यहाँ पर लाइक करते हैं, क्योंकि नॉर्थर्न ब्रेव्स और विलिंगटन के बीच ये मैच काफी रोचक बना हुआ है। टेंशन मऊ यहाँ पर है, बेंसेर की गेंद और इस बार लेग स्टंप पे पिच हुई गेंद थी, बॉल को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ, और यहां पर दो रन, जी यहां पर सिंगल मिलेगा, जी हां यहां पर सिंगल लिया है, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 127 रन बन चुके हैं। फिर से एक बार अनुराग वर्मा जो कि यहां पर सामना करेंगे भाई, इनके जीतेगा भाई जरूर जीत सकता है, क्योंकि यहां पर 41 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत है और मिचेल स्टेनर 42 रनों की स्कोर पे मैदान पे है। नसीम बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं है जमी नसीम को क्यों नहीं गेंदबाजी दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि 15 ओवर जब तक हो जाए, और इस बार अच्छी गेंद और कट डाली थी गेंद को, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर बेंसेर का। चलिए देखते हैं भाई, बने रहिएगा हमारे साथ जितने भी है भाई, लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुराग वर्मा जो कि अच्छी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, और हम लोगों ने देखा है बहुत बार बड़े शॉट लगाए हैं अनुराग वर्मा ने, और देखना होगा नॉर्थर्न ब्रेव्स यहां पर बेंसेर जो कि यहां पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और यहां पर सिंगल लिया है बेंसेर की गेंद पे अनुराग वर्मा ने। सिंगल लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर रन की गति जो है यहां पर ऑलरेडी बढ़ चुका है और सेंटनर ने कमाल की यहां पर बल्लेबाजी किया है। मनीष कुमार जी भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
तो भाई बने रहिएगा। रजवीर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर सेंटनर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बेंसेर बॉलिंग करता हुआ, बायां हाथ के खिलाड़ी को डायनास से राउंड विकेट गेंदबाजी करता हुआ बॉल को हाँ में खेल दिया है और यहाँ पर छक्का लगाता हुआ सेंटनर, बहुत ही बढ़िया छक्का। और इसी छक्के के साथ सेंटनर ने पहुंच चुके हैं 48 रनों के स्कोर पे। फिलहाल लेग स्टंप के डीप फाइन लेग के ऊपर से बॉल को निकाल दिया है और यहाँ पर सेंटनर जब तक खड़े हैं तो यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए एक उम्मीद बना हुआ है। फिलहाल 38 गेंदों पे नॉर्थर्न ब्रेव्स को 34 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। आर्यन खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी दोस्तों को बोलूंगा भाई यहाँ पर 228 भाइयों ने लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर हमें लाइक करें। अशोक जी पड़ामल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। जी भाई यहाँ पर मुझे लगता है यूट्यूब चैनल जो है यहाँ पर काफ़ी खुश होंगे क्योंकि सेंटनर ने 48 रन बना लिया है। फिलहाल सेंटनर और यहाँ पर कांच तड़ऊ शॉट है भाई, कांच तड़ऊ शॉट है क्योंकि ड्रेसिंग रूम का कांच तोड़ दिया है सेंटनर ने जिस तरीके से छक्का लगाया है। ड्रेसिंग रूम का जो कांच था शीशा था उसको तोड़ दिया है सेंटनर ने शॉट लगा के। तो भाई बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिएगा। 230 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया। कमलेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिंटू हसान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखते हैं भाई बने रहिए। 34 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें। जो लोग चैनल पर रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेहतरीन मैच होता हुआ। यहाँ पर मिंटू हसान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि 18वें ओवर में ही नॉर्थर्न ब्रेव्स मैच को जीत जाएगा। अमर महारंजन जी कह रहे हैं कि रजन जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मैच बहुत ही जल्द फिनिश हो जाएगा। सेंटनर को यहाँ पर मुझे लगा था कि हेनरी कॉपर आउट होने के बाद मैच की रुख बदल जाया करेगी, मगर सेंटनर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से जो है नॉर्थर्न ब्रेव्स इस मैच को जीत सकता है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़ने के लिए। लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट हमें जरूर करें। इस ओवर की अगली गेंद और बॉलिंग करता हुआ शेर अब तक इसमें 8 रन दे चुका है। फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट बॉल करता हुआ सेंटनर को मनजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ मनजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर चौका सेंटनर ने, अब चौके के साथ 50 रन भी पूरे कर लिए हैं। मयूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सेंटनर ने काफ़ी कमाल की फुल लेंथ बॉल थी, बॉल बैट का एज लिया चला गया यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे और 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ सेंटनर भी अपना 50 रन भी पूरे कर लिए हैं, 52 रनों के स्कोर पर है। फिलहाल एक बार सेंटनर कमन यहाँ पर छक्का लगाता है भी, बहुत ही उमदा शॉट सेंटनर का, बहुत ही उमदा शॉट सेंटनर का। और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है 144 रन 5 विकेट के नुकसान पे, बहुत ही बढ़िया शॉट आखिरी बॉल पे यहाँ पर छक्का लगाया है। और सेंटनर 53 गेंदों पे 58 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत के नजदीक पहुंच चुका है 36 गेंदों पे 24 रनों के स्कोर पे। डेल्टा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। मयूर एवेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगेंद्र कुमार जी यहाँ पर न्यूटन करेगा तो विकेट लेगा, भाई अब विकेट लेके भी मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेंगे तो भी यहाँ पर मैच निकाल सकते हैं नॉर्थर्न ब्रेव्स। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन मैच होता हुआ, जी हाँ बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो भाई यहां पर अब नॉर्थर्न ब्रेव्स, चलिए देखते हैं भाई। मयूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाइस स्पे। चलिए मिंटू जी हमारे साथ बने रहिए। सेंटनर ने काफी कमाल की बल्लेबाजी किया है और अपना सबसे अधिक रन जो कह रहे थे भाई, कौन कह रहा था शायद सबसे बेस्ट आज ही बनाएगा सेंटनर, कोई एक भाई कह रहे थे यहां पर,
तो आज अपना बेस्ट यंग हस्बैंड आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई, यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत की ओर बढ़ चुका है। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। 235 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है और यंग हस्बैंड को देखकर गेंदबाजी करवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स अब जीत से बहुत ही नज़दीक पहुँच चुका है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी फ्रंट लाइन गेंदबाज को यूज़ करना चाहिए और लगातार यहाँ पर सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं यहाँ से सिंगल लेकर ही मैच को जिताया जा सकता है। और मैच को जीतना है तो सेंटनर को यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करने में आखिर तक रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर फिर से एक बार वाइड बॉल, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल था, सेंटनर को गेंदबाजी करने में दे रहे हैं यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इसी वाइड के साथ स्कोर जो है 148 रन 5 विकेट के नुकसान पे। भाई अपना बासा कोथाय, भाई हमार बासा होच्छे कोलकाता ते, कोलकाता पश्चिमबंग कोलकाता। इस बार कैच आउट हो चुके हैं, यंग हस्बैंड की गेंद थी, स्वीप किया था मिचेल स्टेनर ने और डीप स्क्वायर लेग का फील्डर ने एक शानदार कैच लिया है, रविंद्र ने कैच लिया है भाई, रविंद्र ने कैच लिया है और 59 रन के स्कोर पे यहां पर आउट होता हुआ जी भाई इंडिया थी। जी भाई अशोक यादव जी यहां पर फिलहाल जो है नॉर्थर्न ब्रेव्स को 20 रनों की जरूरत है, 20 रनों की जरूरत है 32 गेंदों पे। अब जो है यहां पर देखना होगा कि यहां पर बल्लेबाज कौन आते हैं। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बता दे कि इसके बाद आ सकते हैं आयसुदी या जो वालकर या आयसुदी, इन दोनों में से कोई आ सकता है नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से, तो देखना होगा कि कौन आते हैं भाई। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीम सऊदी को भेजा गया है भाई, टीम सऊदी जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है उनको भेजा गया है ऊपर क्रम में, टीम सऊदी को भेजा गया है भाई ऊपर की क्रम में भेजा गया है टीम सऊदी को, आयसुदी को नीचे लाए हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। वेलिंगटन विंस की ओर चलिए देखते हैं, पीयूष बंसल जी कह रहा है कि यहाँ पर वेलिंगटन जीतेगा, 32 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत है और अनुराग वर्मा के साथ टीम सऊदी मौजूद है मैदान। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अनुराग वर्मा सामना करेंगे यंग हस्बैंड की गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ, बॉल को सीधे बल्ले से खेला है, डॉट बॉल होता हुआ, ओवर की समाप्ति होने वाली है इस गेंद के बाद। अंशु वर्मा जी टीम आउट हो चुका है भाई, टीम सऊदी आउट नहीं हुआ है भाई, फिलहाल मैदान पर है। भाई अपना नाम की, भाई हमारा नाम होते जे जीत, जे डबल ई टी जीत। तो भाई जो लोग अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया भाई, 236 भाइयों ने लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें 250 लाइक तक जल्द से जल्द पहुँचा सकते हैं। 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर के बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स का स्कोर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पे बने हैं, टीम आउट हो जा। चलिए देखते हैं अशोक परिमल जब विन टर्न विन पक्का, चलिए देखते हैं। सहवाज खान जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर, हेलो जी सहवाज खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई सहवाज खान जी। पप्पू कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। यहाँ पर फिरोजा परवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिंटू हसन जी भी मैच टू फास्ट देखना ना, चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल लेंगे तो यहाँ पर आराम से मैच को जिता सकते हैं, तो वैसे ही कोशिश करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज को। तो भाई हमारे यहाँ पर जितने भी भाई है सभी को बोलने के बाद लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें ज़रूर करें। फिलहाल
बेहतरीन भाई अपनी की भाई ये सब कथा जेने अपना लाभ नहीं भाई अपनी मजा नीन खेलार जेपी जय जी मनदीप साइनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र बॉल नहीं करेगा भाई बॉलिंग तो किया है और वैन विक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और चौथ दूसरी गेंद पे चौका बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार थोड़ी सी बॉल बैट का एज लिया शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था बैट का एज लिया और विकेट कीपर की पीछे से बॉल चला गया है चार रनों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चौका था और जो चौका लगाया है यहाँ पर और इसी चौके के साथ और सिर्फ 15 रनों की जरूरत है। जी हाँ चार मार मारा मैं चलिए बल्ले बल्ले बाजी चलिए एनबी जीतेगा जीत गया भाई यहाँ तो जीत आराम से जीत गया। हिमांशु राय जी कहा है देखकर भाई यहाँ पर अशोक पड़वाल जी जीत चुके हैं निखिल गिमित जी भाई यहाँ पर आउट नहीं हुए भाई फिलहाल तो मैच चल रहा है और यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स को 27 गेंदों पे 15 रनों की ज़रूरत है। जी हाँ 27 गेंदों पे 15 रनों की ज़रूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। 238 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज मैच जबरदस्त हुआ है नॉर्थर्न ब्रेव्स और वेलिंगटन के बीच और वेलिंगटन जिस अंदाज से शुरुआत किया था लगा था कि वेलिंगटन कम से कम 190 का आंकड़ा जरूर छू लेगा मगर अच्छी गेंदबाजी किया यहाँ पर जो वॉलकर एंड टीम सऊदी ने दोनों ने तीन तीन विकेट लिए और वेलिंगटन का पारी को 167 रनों पे सिमट दिया। मगर शुरुआत बहुत ख़राब हुआ था यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स का पहला विकेट बहुत जल्द गिर गया था सिर्फ 4 रन पे पहला विकेट गिरा था और पहली ओवर में ही गिर गया था और उसके बाद शानदार बल्लेबाजी देखने के लिए मिला और स्कोर को नॉर्थर्न ब्रेव्स 153 6 विकेट के नुकसान पर फिलहाल खेल रहे हैं। वैन विक फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदें यहाँ पर डॉट किया है। शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल था कंधे की ऊंचाई पे बॉल और अंपायर ने इसको 1 बाउंस का इशारा दिया है। पीयूष बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए और यहाँ पर 239 भाइयों ने लाइक कर दिया है। अनुराग वर्मा सामना करेंगे आखिरी गेंद का इस ओवर की राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ अनुराग वर्मा को और यहाँ पर बॉल को खेल दिया है यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यहाँ पर 2 रन आराम से भाग लिए हैं यहाँ पर अनुराग वर्मा ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर के बाद 155 रन 6 विकेट के नुकसान पे बन चुके हैं। वेलिंगटन आर मैच खिलाने की भी बेचे भाई समझ नहीं पाए नसम आना चाहिए और विकेट लेना चाहिए भाई अब विकेट लेके फायदा नहीं भाई अब यहाँ पर 24 गेंदों पे 13 रनों की ज़रूरत है जो कि एक आराम से होने वाला है। यहाँ पर कोई भी बैट्समैन इस 13 रन को मुझे लगता है कि चेज कर लेगा। टीम सऊदी है स्ट्राइक पे और देखना होगा कि अगला गेंदबाज कौन आएगा और मुझे लगता है सर हाउ आर यू भाई गुंजन देवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई थैंक यू सो मच भाई। राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आउट हो जावे चलिए देखते हैं आउट होने से भी मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल नॉर्थर्न और यहाँ पर जी हाँ जिमी निसाम आए हैं गेंदबाजी के लिए अब देखना होगा टीम सऊदी सामना करेंगे। जी भाई आ गया है जिमी निसाम विशाल चौधरी जी 24 गेंदों पे 13 और यहां पर जिमी निसाम की गेंद थी और यहां पर 2 रन ले चुके हैं टीम सऊदी। हाँ मैं खेल दिया था बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से और यहां पर 2 रन लेते हुए और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जो है 157 रन 6 विकेट के नुकसान पे फिलहाल 11 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार जिमी निसाम बॉलिंग करता हुआ तो भाई देखते हैं यहाँ पर 22 गेंदों पे 11 रनों की जरूरत है और यहाँ पर टीम सऊदी और अनुराग वर्मा क्या नॉर्थर्न ब्रेव्स को जीत दिला पाते हैं क्या लगता है भाई आज जो है यहाँ पर अनुराग वर्मा और जिमी निसाम क्या टीम को जीत दिला पाएगा। तो भाई 242 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक हमें करें और चैनल प्रतिभा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं और जरूर जुड़ते रहिए थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। फिलहाल काफ़ी मज़ेदार मैच होता हुआ फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करता हुआ बॉल को हाँ में खेल दिया है और यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है 4 रनों के लिए 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर
चार रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है 161 रन 6 विकेट के नुकसान पे बने हैं। और काफी बेहतरीन शॉट नहीं कहूंगा, बॉल बैट का एज लिया और विकेट कीपर के पीछे से गया है। टीम सऊदी थोड़ा सा आगे निकल के आए थे इस गेंद पे, तो रन किसी भी तरीके से आना चाहिए भाई, रन किसी भी तरीके से आना चाहिए। फिलहाल 21 गेंदों पे 7 रन की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। जीत गया टीम भाई जी, भाई अशोक जी यहाँ पर जीत गया है। जुबेर गान जी भी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीत गया है। भाई मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जीत गया है नॉर्थर्न ब्रेव्स। भाई लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। 247 भाइयों ने यहाँ पर लाइक किया है, तो आप भी यहाँ पर हमें लाइक कर सकते हैं। और मैच से नॉर्थर्न ब्रेव्स के लिए जीत सिर्फ समय के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स जीत हासिल कर लेगा। तो भाई हमारे साथ 248 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, तो आप भी यहाँ पर लाइक करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल सिर्फ 2 लाइक दूर है 250 लाइक से, देखते हैं भाई 250 लाइक यहाँ पर दो भाई जो है, कौन दो भाई जो है यहाँ पर जल्द से जल्द हमें लाइक करके 250 लाइक तक पहुँचाते हैं। इंद्रजीत मयूरी मयूर या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष। और यहाँ पर फिर से एक बार डॉट बॉल होता हुआ, लगातार डॉट बॉले। अनिश साइनी जी थैंक यू सो मच लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। 253 भाइयों ने यहाँ पर लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई। और सभी दोस्तों को मैं बोलूँगा भाई कम से कम यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा, ताकि आगे आने वाले मैचेस की लाइव कमेंट्री आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल 7 रनों की जरूरत है 18 गेंदों पे नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। जी हाँ, 7 रनों की जरूरत है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। मैदान पे टीम सऊदी बने हुए हैं और साथ में है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा 11 गेंदों पे 9 रनों के स्कोर पे। फिलहाल 3 ओवर बाकी है और देखना होगा कि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज नॉर्थर्न ब्रेव्स को जीत दिला पाते हैं कि नहीं। और भाई जीत गए सब जी भाई यहाँ पर। नरभाया कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट। अनुराग वर्मा है स्ट्राइक पे और देखना होगा कि अगला गेंदबाज कौन आता है। पहली गेंद और यहाँ पर अनुराग वर्मा, देखना होगा कि क्या करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, हाँ में खेल दिया है बॉल को और यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, सिंगल मिल जाएगा। अनुराग वर्मा ने सिंगल लिया लेके यहाँ पर स्ट्राइक जो है टीम सऊदी को दिया है। स्कोर जो है फिलहाल 6 रनों की जरूरत है 17 गेंदों पे यहाँ पर 6 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। और यहाँ पर 255 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, तो आप भी हमें लाइक कर सकते हैं। लाइक करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा भाई को। और जो लोग चैनल पर नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैन वेक फिर से एक बार इस ओवर की दूसरी गेंद और यहाँ पर टीम सऊदी ने कोई हड़बड़ी नहीं मचाते हुए, बड़ी शॉट की कोशिश नहीं किया इस बार टीम सऊदी ने। और यहाँ पर सिंगल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं यहाँ से मैच आराम से निकाला जा सकता है। फिलहाल 5 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। 261 भाइयों ने हमें लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से भाई लाइक करो और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कमाल का यहाँ पर मैच होता हुआ दिख रहा है। वेलिंगटन ने पहले धमाकेदार शुरू किया और उसके बाद नॉर्थर्न ब्रेव्स ने मैच में वापसी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। कॉलिन डी ग्रैंडहोम आउट होने के बाद दबाव जो है पूरी तरीके से नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर आ गया था, मगर अच्छी तरीके से मैच को निकाला है मिचेल सेंटनर ने। तो यहाँ पर जितने भी भाई जुड़ चुके हैं भाई लाइक जरूर करें। यहाँ पर ब्रेसवेल काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जीता हुआ मैच मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 190-195 के करीब रन बन जाते तो शायद यहाँ पर मैच की रुख जो है कुछ अलग होता, मैच का रिजल्ट जो है कुछ अलग होता। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की शुरुआत वेलिंगटन की बल्लेबाजी में देखा गया था उसको देखते हुए, और इस बार हार में खेलने की कोशिश, मगर डॉट बॉल होता हुआ बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश किया था अनुराग वर्मा ने, सीधा बॉलर के हाथ में खेला है, कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ। तो हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा भाई लाइक जरूर करें। और 263 भाइयों ने हमें लाइक किया है। आखिरी के ओवर चल रहा है और मुझे लगता है कि नॉर्थर्न ब्रेव जो है यहाँ पर एक आसानी से जीत हासिल कर लेगा। सुधीर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोकुल कृष्णा जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद पलास जी जुड़ चुके हैं, शुभम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विजेंद्र
बलजिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई यहां पर सिंगल लगातार लेते हुए और इसी सिंगल के साथ सिर्फ चार रनों की जरूरत है फिर से एक बार। हमारे साथ यहां पर संकेत जादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लव फ्रॉम नेपाल। यहां पर पवन साहा जी जुड़ चुके हैं भाई नेपाल से। हलदार जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से भाई जुड़े रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ये गेंद काफ़ी डॉट बॉल था, थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हुई थी। जोरदार अपील किया था वैन विक ने, पैर पे लगा था यहाँ पर टीम सऊदी के। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 13 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है और यहीं पर नॉर्थर्न ब्रेव एक आसान सा जीत हासिल कर लेगा। डट्टा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, फैंटेसी टीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। मोहम्मद सोहिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रौनक जी जुड़ चुके हैं भाई, संकेत यादव जी फ्रॉम इंडिया, भाई मैं भी इंडिया से ही भी हूँ। मिस्टर रावत जी जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई। 18 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 164 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 12 गेंदों पे अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों पे अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। टीम सऊदी बैटिंग कर रहा है 8 रनों के स्कोर पे और अनुराग वर्मा 14 गेंदों पे 11 रनों के स्कोर पे। मोहम्मद सोहेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत जाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरह भाई जुड़े रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे भाई हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि भाई यहाँ पर एक बेहतरीन मैच जो यहाँ पर चल रहा है, आज काफ़ी अच्छा मैच देखने के लिए मिला और इस मैच में पल्ला किसी भी समय जो है किसी भी टीम के ओर था। और फिलहाल यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स आखिर का मैच जीतने वाला है। जिमी निशा आए हैं, अपना तीसरा ओवर डालेंगे और मुझे लगता है इस ओवर में ही मैच को रुख बदल सकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ, बॉल को हाँ में खेल दिया है यहाँ पर अनुराग वर्मा ने, देखना होगा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और यहाँ पर मिड विकेट में फील्डर मौजूद थे, कैच ले लिया गया है। जिमी निशाम ने आते ही यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पे विकेट निकाल लिया है अनुराग वर्मा का और इसी के साथ स्कोर जो है यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ 164 पे। सुधीर कुमार जी यहाँ पर, राजीव खान जी हमारे साथ चाइना से जुड़े हुए हैं, लव फ्रॉम चाइना, थैंक यू सो मच भाई। आकाश भगत जी भाई थैंक यू सो मच। यहाँ पर डिबॉन कॉनवे ने कैच लिया है और इसी के साथ अनुराग वर्मा 11 रन बना के आउट हो चुके हैं। 11 गेंदों पे यहाँ पर 4 रनों की जरूरत है नॉर्थर्न ब्रेव्स को फिलहाल मैच में जीत हासिल करने के लिए। 267 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। जी हाँ भाई, फिर भी एक विकेट गया है। यहाँ पर जिमी निशाम आउट हो चुके हैं, आईएस सोदी यहाँ पर आए हैं नए बल्लेबाज। तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई अभी भी 4 गेंदे बाकी है तो देखना होगा इस 4 गेंदों में क्या होता है। और यहाँ पर सिंगल ले लिया है और मुझे लगता है कि अब जो है यहाँ पर मैच जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिचेल स्टेनर ने कमाल का पारी खेला है, 35 गेंदों पे 59 रनों का और उसकी बदौलत यहाँ पर एक अच्छा खासा स्कोर बना लिया है, जीत की बहुत नज़दीक पहुँच चुका है नॉर्थर्न ब्रेव्स। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल 3 रनों की ज़रूरत है 10 गेंदों पे इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 3 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए 10 गेंदों पे। तो फिर से एक बार बातचीत करते हुए जिमी निशाम से यहाँ पर ब्रेसवेल, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर से विकेट लेने की कोशिश होगी। फिलहाल बॉलिंग करता हुआ और यहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ, जी हाँ डॉट बॉल होता हुआ, देखना होगा जो दबाव यहाँ पर बनाने की कोशिश है वो बना पाते हैं कि नहीं।
हाईएस्ट शो भी है बैट्समैन और यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल टीम सऊदी एंड आईएस सूरी यहां पर बल्लेबाजी करते हुए तो भाई हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को भाई लाइक जरूर करें, लाइक करना जरूर करें सपोर्ट। और यहां पर इस ओवर की चौथी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालता हुआ आईएस सूरी को और यहां पर फिर से एक बार डॉट बॉल खेला है आईएस सूरी ने। जी हां, फिर से एक बार डॉट बॉल खेला है आईएस सूरी ने। तो यहाँ पर देखना होगा कि फिलहाल 8 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत है। मैच काफ़ी बहुत रोचक हो चुका है, क्या यहाँ पर एक विकेट ले पाएगा? तो एक विकेट अगर ले लेते हैं तो शायद यहाँ पर दबाव और भी ज़्यादा बन जाएगा नॉर्थर्न ब्रेव्स के ऊपर। भाई सिंगल आश्चर्य कहना, यहाँ पर टेल एंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं आईएस सोदी और सामने अच्छी गेंदबाज अच्छी ऑलराउंडर मौजूद है जीबी निशान। फिर से एक बार बॉल को हवा में खेल दिया है, देखना होगा यहाँ पर छक्का मिलता है कि नहीं। और यहाँ पर आईएस सोदी ने बड़ा शॉट लगाया था मगर फील्डर मौजूद है, वन बाउंस फील्डर के पास पहुंचा है और सिंगल लेता हुआ डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद थे और अच्छी ताबड़तोड़ यहाँ पर रन लेते हुए और इसी 2 रन के चाहते थे यहाँ पर आईएस सोदी मगर यहाँ पर सिंगल ही मिला है। 7 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत है और यहाँ पर जीत की ओर बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं। फिलहाल टीम सऊदी है स्ट्राइक पर सामना करेंगे जिमी निमिज़ाम की इस ओवर की आखिरी गेंद का। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर 271 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहाँ पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक सिंगल से यहाँ पर मैच ड्रॉ हो जाएगा, मैच हो जो है टाई हो जाएगा अगर यहाँ पर एक सिंगल रन ले देते हैं। आखिरी बॉल और टीम सऊदी ने हवा में खेल दिया है बॉल को, देखना होगा फील्डर नीचे, जी नहीं यहाँ पर सिंगल मिलेगा, वन बाउंस फील्डर के पास पहुंचा है और थोड़ा सा स्टेप आउट करके बॉल को खेला था और डीप स्क्वायर लेग की तरफ और यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर लेवल हो चुका है। जी हाँ, स्कोर लेवल हो चुका है। सोहेल राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर सोनू जेट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मॉप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाजिर कार्लो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई। 19वें ओवर हो चुके हैं और स्कोर जो है नॉर्थर्न ब्रेव्स का 167 रन 7 विकेट के नुकसान पे, सिर्फ और सिर्फ 1 रनों की जरूरत है जहाँ पर टीम सऊदी 12 गेंदों पर 10 रनों के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल टीम सऊदी यहां पर सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। तो भाई 274 भाइयों ने हमें लाइक किया है तो आप भी यहां पर लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी हां भाई, यहां पर आप भी लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर बेहतरीन मैच होता हुआ नजर आ रहा है इस ओवर की पहली गेंद। जी हाँ, इस ओवर की पहली गेंद बॉलिंग करेंगे बेन सेड बॉलिंग करेंगे। क्या इस ओवर की पहली गेंद पे ही रन आके यहाँ पर जीत जाएगा? बने रहिए भाई, लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुबह की राम राम सर जी भाई, यहाँ पर नरेंद्र जाधव जाताव जी, थैंक यू सो मच। सोहेल राणा जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस ओवर की पहली गेंद बेन सेड गेंदबाजी करते हुए और सामना करेंगे टीम सऊदी। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर डॉट बॉल, मैच में सांसे बने हुए हैं, सांसे जो है वो हलक पर अटकी हुई है क्योंकि स्कोर लेवल हो चुका है और यहाँ पर सिंगल के लिए पूरी टीम जो है यहाँ पर 3 फील्डर ऑफ साइड में और 2 फील्डर जो है ऑन साइड में लगा के रखा है। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सचिन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, अभिनव कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच भाई सभी दोस्तों को भाई यहाँ पर वेलकम है स्पोर्ट्स न्यूज़ 24 चैनल पे। सभी दोस्तों को बोलूँगा भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए विकेट ले लिया है बेन सेड ने टीम सऊदी का, मैच में और भी यहाँ पर रोचक मुहूर्त आता हुआ, हाँ में खेल दिया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और यहाँ पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन यहाँ पर मिड ऑन पे कैच लिया है, बेन सेड ने विकेट निकाल लिया है, ब्रेसवेल ने कैच लिया है और फिलहाल 8वां विकेट गिरता हुआ है नॉर्थर्न ब्रेव्स का। जी भाई, यहाँ पर 8वां विकेट गिरता हुआ नॉर्थर्न ब्रेव्स का, फिलहाल 1 रनों की जरूरत है, स्कोर लेवल हो चुका है, मैच टाई होने वाला है और 4 गेंदों पे सिर्फ 1 रनों की जरूरत है, 4 गेंदों पे 1 रन तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी बना सकता है।
टीम सऊदी के साथ यहां पर जो वल्कर, टीम सऊदी यहां पर गेंदबाजी का सामना करेंगे। तो भाई बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर कीजिए और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को बोलूंगा लाइक जरूर करें, लाइक का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करें। दस 14 रन बनाए हैं 10 गेंदों पे, काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। मुझे लगता था कि यहाँ पर टीम को जिताना आना चाहिए था, मगर फिर से एक बार नए बल्लेबाज आए हैं जो वॉलकर, और यहाँ पर 4 गेंदे बाकी और यहाँ पर सिंगल ले लिया है टीम सऊदी ने। आखिरकार विनिंग शॉट खेला है और इसी शॉट के साथ यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स ने 2 विकेट से जीत हासिल किया है। जी हाँ, 2 विकेट से जीत हासिल किया है यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स ने, 2 विकेट से जीत हासिल कर लिया है भाई। तो बहुत ही उम्दा मैच था ये और आज का मैच काफ़ी रोचक हो गया है, रोचक मैच था। नॉर्थर्न ब्रेव्स ने इस मैच में जीत हासिल कर लिया है। जी हाँ, नॉर्थर्न ब्रेव्स ने 2 विकेट से जीत हासिल कर लिया है इस मैच में। पहले यहाँ पर बैटिंग किया था, जी हाँ यहाँ पर पहले बैटिंग, हमारे साथ बने रहिए भाई, थोड़ी देर में यहाँ पर पूरे स्कोर कार्ड का आ जाएगा। टीम सऊदी ने 4 गेंदों पे 2 रन बनाए हैं, नॉकआउट रहे और ये भी जो वॉलकर नॉकआउट रहे, बिना खाता खोले होने रहे। और आपको बता दें कि यहाँ पर अच्छी सजी हुई गेंदबाजी किया था यहाँ पर तो भाई हमारे साथ बने रहिए, पहले लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थर्न ब्रेव्स ने यहाँ पर काफी कमाल की गेंद यहाँ पर बैटिंग किया है और नॉर्थर्न ब्रेव्स ने आखिरकार यहां पर जीत हासिल कर लिया है। जी हां, 19 ओवर 3 गेंदों पे ही ये जीत हासिल कर लिया है। आज टॉस जीता था नॉर्थर्न ब्रेव्स ने, नॉर्थर्न ब्रेव्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए विलिंगटन ने यहां पर शुरुआत अच्छा किया था। फिन एलन और ब्रेसवेल ने कॉनवे बहुत ही जल्दी आउट हो चुके थे और 19 ओवर 4 गेंद में पूरी टीम जो है वेलिंगटन का 167 रनों पे आउट हो गया है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्थर्न ब्रेव्स की तरफ से अच्छी गेंदबाजी किया था टीम सऊदी ने, 3 ओवर 4 गेंदे डाल यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे। ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट निकाले और जो वॉलकर ने 3 विकेट निकाले और उसके बाद बैटिंग करने आई नॉर्थर्न ब्रेव्स ने इस रन को 19 ओवर 3 गेंदों पे चेज कर लिया है और ये मैच जो है 2 विकेट से जीत हासिल कर लिया है नॉर्थर्न ब्रेव्स ने। बात करते हैं, काफ़ी अच्छा बैटिंग किया था यहाँ पर मिचेल सैंटनर ने और टीम सेफर्ड ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत किया था। 15 गेंदों पे 32 रन बनाए और जिमी निसाम की गेंद पे आउट हो गए। उसके बाद मिचेल स्टेनर ने काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग किया, 35 गेंदों पे 59 रन बनाए और उसके कारण यहाँ नॉर्थर्न ब्रेव्स ने 2 विकेट से इस मैच में जीत हासिल कर लिया है। फिलहाल यह मैच खत्म हो चुका है और इस मैच में नॉर्थर्न ब्रेव्स ने जो है 2 विकेट से जीत हासिल कर लिया है। और आपको बता दें कि आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले मैचेस की कमेंट्री आपको सुनने के लिए मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मैच पे, तब तक के लिए भाई गुड बाय, बने रहिएगा, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।